क्या हुआ, इतनी जल्दी जा रहे हो? खाना वाना खाकर भी जा रहे हो ना? आपकी श्रीमती जी की गालियां खाकर जा रहा हूँ। क्यों, क्या मतलब? आज मुझे इतनी गालियां दी कि जिंदगी के अंदर इस घर का दरवाजा नहीं देखूंगा। लेकिन तुमने कहा नहीं कि तुम्हें मैंने नौकर रखा है? अरे वो आपका क्या परवाह करती है? मालूम होता है आप उसके हस्बैंड नहीं, वो आपका हस्बैंड है। अगर मेरी ऐसा सी हो तो बाइक और खड़ा खड़ा घर से निकाल दू। ऑलराइट, तुमने मास्टर जी को नौकरी से क्यों निकाल लिया? आपको गलती करने का अधिकार है तो मुझे सुधारने का भी अधिकार नहीं। ओ, तो तुम्हें डांस और म्यूजिक में भी बुराई नजर आने लगी है? मैं किसी कला को बुरा नहीं मानती। तो फिर? लेकिन जब इसकी पढ़ाई का वक्त होता है तो ये गाना नाचना शुरू कर देती है, और जब पूजा का वक्त आता है तो आप इसे होटलों और क्लबों में ले जाते हैं। वहाँ आप शराब पीते हैं, गंदे मजाक करते हैं, रमी की बाजी लगाते हैं, काम मुझे सब कुछ देखती है। अरे तुम सीख भी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो मैं करता हूँ वो गलत है और जो तुम सोचती हो वो सही। तुम्हारी इस रोज रोज की बकबक से तो मेरे कान पक गए हैं। मेरी समझ में नहीं आता तुम अपने आप को क्या समझती हो। आप ही बता दीजिए आप मुझे क्या समझते हैं। पांव की जूती के सिवा मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता, मगर तुम अपने आप को सर का ताज समझने लगी। अब हमारा निवाह नहीं हो सकेगा। मैंने भी बहुत सहन किया है, अब तक यही सोचती रही कि मरकर इस घर से जीत लूंगी, लेकिन देख रही हो स्त्री धर्म का पालन करने में मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनके भविष्य के लिए मैं लोकलाज की कुर्बानी दे दूंगी, इस घर से चली जाऊंगी। तो जाओ ना, किसने पकड़ा है तुम्हारा हाथ? अभी चल जाओ। आप पछताएंगे। मैं सुख की सांस लूंगा। स्त्री के बगैर घर घर नहीं होता। पति के बगैर स्त्री तो कौड़ी की नहीं होती। मैं आपके झूठे अभिमान को तोड़कर दिखा दूंगी। वो दिन तुम्हारे जिंदगी में कभी नहीं आएगा। सुनो कमी, हमें इसी वजह पर छोड़ने लगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, मैं डैडी के पास जाऊंगी। डैडी, तुम इसे नहीं ले जा सकती। मैं इसे मॉडर्न तहजीब की एक आइडियल गर्ल बनाना चाहता हूँ। तुम रागिनी को ले जा सकती हो,
उसे पूरा करने की मुझे शक्ति दो। मेरी रागनी बड़ी होकर अपना ग्रह जीवन सुख से गुजारे, देश का बोझ न बने, बल्कि देश का बोझ अपने कंधों से उठाए। प्रभु जी वो ऐसा वरदान, वही इन आपा सुखी हो भारत की संतान। प्रभु जी वो ऐसा वरदान। रागनी, तू तो कह रही थी तू खेलने जा रही है, फिर पढ़ने में भी? माँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। शाबाश बेटी, शाबाश, खूब दिल लगाकर पढ़ो। विद्या ही एक ऐसा धन है जो चुराया नहीं जा सकता। विद्या ही एक ऐसा धन है जो चुराया नहीं जा सकता। बकवास, नॉनसेंस, झक मारे। ठीक है तो लिखा जाए। क्यों, शराब का नशा ऐसा धन नहीं जो चुराया नहीं जा सकता? आजकल स्कूलों में लगाने क्या बकवास किताबें पढ़ाते हैं। जाओ बेबी से कहो पढ़ाई लिखाई बंद करे। एस्ट्रेला, ये आप कह रहे हो क्या? हाँ, और टीचर से भी कहो वो भी आपसे छुट्टी करे। चलो कामनी। ओ कामनी, अरे कहाँ है तू? क्या आज भी छुट्टी समझ ली है क्या? बड़ी काम चोर है। टीचर, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तुम करोगी या मैं करूंगा? शाबाश बेटी, अगर इसी तरह से एक्सपेरिमेंट करते रही तो एक दिन बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन जाएगी। क्यों टीचर? आप अपनी लड़की को बिगाड़ रहे हैं। ये पढ़ने लिखने की तरफ तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, वरना इस उम्र की लड़कियां तो घर के छोटे मोटे काम संभाला करती है। घर के काम? माँ, ये पत्ते बाहर फेंक दो। नहीं रख, के काम आएंगे। पत्ते किस काम आएंगे माँ, ये तो बेकार है। नहीं रागनी, इन्हें मूलियों के साथ पकाने से भाजी मजेदार भी बनती है और ज्यादा भी हो जाती है। देख बेटी, दुनिया में कोई चीज बेकार नहीं होती। लेकिन माँ, कल जो तुम्हारी साड़ी चल गई थी वो तो बेकार हो गई थी ना? कैसे बेकार हो गई? लखनकी की तरफ से दे, मैंने इसके पर्दे सी डाले हैं। रामू आया था। अरे इस खिड़की के सब पर्दे कहाँ चले गए? दीदी, कल मेरी गुड़िया की शादी थी, मैंने पर्दे कटवा कर इसकी फ्रॉक बनवा दी। अरे वाह, देखो दीदी। शाबाश शाबाश। रामू देखा, मेरी बेटी कितनी होशियार है, एक बेकार सी चीज का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है। मुझे मालूम है बड़ी होकर तू अपना घर बड़ी इकोनॉमी से चलाएगी। है तुम्हें खांसी है ना बेबी, इसलिए अचार नहीं लाया। देखो रामू, तुम नौकर हो या डॉक्टर है? इसकी खांसी का इलाज करवाने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ। जब बेबी कहती है कि अचार लाओ तो अचार लाओ, अभी लाया था। की है कविता मैंने तुम्हें सुनाने आई, ये कुदरत क्या क्या सिखलाती तुम्हें बताने आई। फूलों से खिलना सीखो तुम, कलियों से मुस्काना, गुनगुन करके फूलों से तुम सीखो बीमर जाना हराना, और परिंदों से सीखो तुम भोर भय उठ जाना। एक लिखी है कविता मैंने तुम्हें सुनाने आई, ये कुदरत क्या क्या सिखलाती तुम्हें बताने आई। बदल रही जमीन बदल रहा है आसमां, बदल रही हवाएं और बदल रहा जहां, बदल रही जमीन बदल रहा है आसमां, बदल रही हवाएं और बदल रहा जहां। बहनों तुम्हारे सामने तेरा सवाल है, मनुष्य के भविष्य का तुम्हें ख्याल है। घूंघट निकाल के जो तू सूंघती रही, काजल नयन में डाल फूल सूंघती रही, नायलॉन की साड़ियों में तन उभारती रही, फैशन परेड में उम्र गुजारती रही। मिट जाएंगे, मिट
बहनों तुम्हारे कंधों पे गजब का भार है, स्वधर्म की स्वदेश की तुम्हें पुकार है, जागो जागो भविष्य की माताओं, जागो धरती की सीताओं, जागो कुरान और गीताओं, जागो जागो। विज्ञान का इन्हें हुआ बड़ा गुमान है, माना कि चंद्र लोक में गया विमान है, एटम बनाने वालों को न इतना ध्यान है, एटम ही पर खड़ा हुआ इनका मकान है, रॉकेट बना के समझते तरक्की हो गई, इंसानियत की नींव आज पक्की हो गई, दिन रात झूठे ख्वाब में ही झूलते हैं ये, होना क्या चाहिए वो बात भूलते हैं ये, अपने अपने गृहस्थ छोड़ जाने घूमते किधर, सारे जहाँ का बस इन्हीं को है लगा फिकर, ताकत बतौर नहीं कहे इन्हें बड़ा नशा, इस खींच तान में न हो सभी की दुर्दशा, जागो जागो शांति की अवतारी, जागो शासन की अधिकारी, जागो घर घर की सन्नारी, जागो जागो। दो टिकट शिवाजी पार्क। माफ करिए। ए मिस्टर, ये बस है। जी तो मैंने कब कहा कि ये बैलगाड़ी है। इसमें बैठकर सफर किया जाता है। तो मैं कहाँ खड़े होके सफर कर रहा हूँ साहब। तो टिकट खरीदिए। कंडक्टर इन्हें टिकट दो। भाई जरा गलती से इस बस में बैठ गया था, अगले स्टॉप पे उतर जाऊंगा। ये बस की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। पैसे निकालिए। बड़े अड़ियल आदमी मालूम होते हो यार, जैसे बस के मालिक हो लो पैसा। लेकिन बस तो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, फिर लोग अपने ही घर में चोरी क्यों करते हैं? ऐसा सुना आपने? ये नसीहत आपके लिए है। रहने दीजिए अपनी नसीहत अपने पास। चोरी की बीवी लिए घूमते हो, शादी हुई है आप लोगों की? देख रहे समाचार? ए भाई बस वाले, रोक मेरा घर आ गया, लीजिए ये टिकट, घर ले जाइए। विटनेस आप हैं? जी हाँ, पाप से बढ़ती और कौन गवाह हो सकता है। और आपके पिता भी? हम लोग गांव के रहने वाले हैं, वो शहर आना पसंद नहीं करते। या शायद आपने बुलाया ही ना हो। आजकल चलता है। जी ऐसी कोई बात नहीं, वो किसान ठहरे, औलाद से ज्यादा उन्हें खेत प्यारे हैं। अरे चौधरी, राम राम। राम राम। अरे गिरधारी, क्यों हल और खेतों के पीछे पड़ा है? तेरा लड़का बड़ा आदमी बन गया, अब शहर जा और आराम की जिंदगी बिता। चौधरी तुम समझते हो कि शहर के लोग आराम की जिंदगी बिताते होंगे? जहाँ अनाज की कमी, जहाँ मकानों की कमी, अरे जहाँ इंसानों की कमी। चौधरी सच पूछो, मैं तो मर जाऊंगा पर इस धरती को नहीं छोड़ूंगा। भैया के चिट्ठी आई है और उन्होंने ब्याह भी कर लिया भाभी के साथ, कल वो सुबह आ रहा है। अरे वाह, ये नेटवर्क तो बड़ा तेज निकला, न मंगनी की खबर न ब्याह की खबर, कल बहू को लेके आना। अपना खेत गिरवी रखा, तुम इतने खुश हो गिरधारी? तुम खेत की बात कर रहे हो? कल जो खुशी मेरे घर आ रही है, उसके लिए मैं अपनी जिंदगी भी गिरवी रख दूं तो कम है। लेकिन गिरधारी, शहर की बहू को चांदी के गहने पसंद भी आएंगे? क्यों नहीं आएंगे, जब ये गहने खुद बोल उठेंगे कि इनमें ससुर का प्यार भरा दिल धड़क रहा है।
तो वो सोने के गहने उठाकर फेंक देगी, उन्हें सीने से लगा लेगी, तुम देख लेना। बेटा बहू मुझे बहुत पसंद आई। बेटा मैं गरीब हूं और तो कुछ न कर सका, थोड़े बहुत ये गहने हैं, जाओ बहू से कहो कि गरीब ससुर के भेद स्वीकार करें। तुम खुद क्यों नहीं दे देते बाबू? नहीं बेटा, मेरे मुंह पर कोई तारीफ करे मुझे अच्छा नहीं लगता। जा तू दे, जा। कामनी ये देखो बापू तुम्हारे लिए क्या लाए। नॉनसेंस, ये गहने मैं पहनूंगी? क्या मुझे भी गाय के गवारा से लेकर सहारा? ऐसा नहीं कहती कामनी, उन्होंने बड़े अरमानों से बनवाया है, उनका दिल टूट जाएगा। चाहे भले ही ना पहनो लेकिन रखने में क्या हर्ज है। लेकिन जो चीज मुझे पसंद नहीं वो मैं कभी नहीं करती। आई एम ए फ्रेंड्स लेडी। कामनी दूध पीजिए। इतना खिला चुकी हो, अब ये लंबा चौड़ा दूध का गिलास पेट में तो जगह नहीं है, पेट के ऊपर बांध दो। ज्यादा बातें ना बनाइए, पी जाइए। घर से पेट भर कर जाना चाहिए। दोपहर को होटल से खाना पड़ता है, तंदुरुस्ती खराब हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब लाइए। नमस्ते कामनी देवी, आपके वो नखर बाबू घर में है? नखर बाबू का घर सामने है। सामने है तो फिर ये किसका घर है? ये बलराज बाबू का घर है और मैं कामनी नहीं रागिनी हूँ। माफ करिएगा, सब गलत घर में आ गए। अजय साहब आप तो हमेशा ही गलत जगह पर चले आते हैं। देखिए भाई साहब, इसमें सारी गलती मेरी नहीं है, कुछ गलती मेरी है तो कुछ भगवान की। कामनी तेरे बच्चे जरा गौर से देख, इनकी शक्ल कामनी से किसी भी चीज। हाँ जी, पर हमारे लिए ये कौन से पराए हैं, जैसी कामनी वैसी ना दिली से। चलिए चलो अंदर चलकर बैठते हैं। हाँ हाँ चलो चलो, आइए ना। आप तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं, आइए अंदर आइए आइए। घर अच्छा, आइए बैठिए। आपको याद है आप उस दिन गलत वक्त में बैठ गए थे? जी हाँ, और मुझे ये भी याद है कि आपने एक आना मेरा मुफ्त में बर्बाद करवा दिया था। आपका एक आना बर्बाद हुआ, मेरा घर आबाद हो गया। ये मेरी अब धर्म पत्नी है। ये तीरा, ये तीरा। देखा मेरे एक आने की करावा दोनों का घर आबाद हो गया। अरे तुम हो के पूरा 100 रुपए महीना लाकर देता हूँ फिर भी अपना घर बर्बाद का बर्बाद ही रहे। सात बच्चों के बाप हो गए तब तुम्हें अकल ना आई? अरे भाई अकल होती तो सात बच्चे क्यों पैदा करता। दे जवा। अच्छा अच्छा बाबा जाओ अपने काम धंधे पे जाओ, मुझे बहन जी से कुछ दुख सुख की बातें करनी। मेरी समझ में नहीं आता कि तुझे दुख क्या है। इस दुख सुख के झगड़े में नाश्ता करना ना भूल जाइए, बेचारी घर से कुछ भी खाकर नहीं आई। चलिए बलराज बाबू चलिए। वैसे नाश्ता तो मुझे भी करना था पर अपना उसूल है, एक घर में एक ही आदमी नाश्ता करता है। कामनी का घर तो नजदीक है ना? हाँ चलिए, ऑफिस जाते वक्त आपको वहीं छोड़ दूंगा। हाँ बस एक बार छोड़। बहन जी आप खाना का बताती है रसोई में, आओ मेरे साथ। अच्छा और हाँ मैम, तो बच्चा को बना तुम्हारा झुका से लगता। आप इसलिए पूछ रही हैं कि आप सात बच्चों की माँ हैं, आपको सब बच्चों के नाम कैसे याद रहते हैं? अब हफ्ते से 7 दिन किसको याद नहीं रहते हैं? क्या मतलब? सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, बस यही हमारे बच्चों के नाम है। भगवान ना करे एक तो बच्चे और हो गए तो महीनों से शुरू हो जाएंगे, सावन भादो जेठा साल पूरे 12 की गुंजाइश है। अभी हमारे देश में हर चीज महंगी है क्योंकि औलाद बहुत सस्ती है। हम बच्चे तो पैदा कर लेते हैं लेकिन उनका निर्माण नहीं कर सकते। नतीजा ये है कि इंसान कीड़े मकोड़ों से भी बेहतर हो रहा है। जरा सोचो कि ऐसी हालत में ज्यादा औलाद पैदा करना जुर्म नहीं? अरे बहन अगर जुर्म होता तो गवर्नमेंट कानून ना बना देती। तो सरकार सोचती है कि हम कुछ समझ हैं ताकि लोगों पर कानूनी बंदिश नहीं लगानी पड़े। ये तुम इसलिए कह रही हो अच्छा तुम्हारे को बच्चा नहीं है। जब गोल भर जाएगी फिर पूछूंगी कि माँ बाप को औलाद कितनी प्यारी होती है। उसे पढ़ाई लिख, मैं उसका बड़ा भाई, उसे पढ़ाना लिखाना मेरा फर्ज है। काम नहीं बस फर्ज अपने भाई के लिए है, अपने वाइफ के लिए कोई फर्ज नहीं।
तुमने मेरी कौन सी जरूरत पूरी कर दी? ना अभी तक घर में ढंग का फर्नीचर है, ना कटलरी, ना क्रॉकरी। और आमदनी क्या है? कभी 1000 लाते हो, कभी 500। अपने खर्चे पूरे नहीं होते, भाई को कहां से पढ़ाएंगे? ओहो, राजू की पढ़ाई में कौन से 1000-500 खर्च होंगे कामनी? मैं भी समझ में नहीं आता, इस छोटी सी बात पर तुम इतनी बहस क्यों कर रहे हो? जिस पर तुम कर रहे हो। राजू हमारे साथ जाएगा तो मैं तुम्हें साफ साफ कह देती, अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा तो हम जिंदगी के ट्रेन में एक साथ सफर नहीं कर सकेंगे। क्या मतलब? मुझे तलाक लेनी पड़ेगी। अभी तो घर बना दें और उसको तोड़ने की बात कर लेंगे। कल शादी, आज तलाक। शादी क्या चीज है? दो पार्टियों में एग्रीमेंट निभाना हो सके तो एग्रीमेंट कैंसिल। बहू का कहना बिल्कुल ठीक है, राजू को ले जाने से तुम लोगों को बड़ी तकलीफें होंगी। बहू का कहना मान लो और राजू का मत ले जाओ। लेकिन मैं उससे वादा कर चुका हूं, मैं जानता हूं वो नहीं मानेगा। और बहू का कहना न मानने से जानते हो क्या होगा? तलाक। वो भयानक शब्द जो 100 पुश्तों से हमारे घर की चार दीवारी में कभी नहीं पहुंचा, सुहाग में दुख झेलती, मुसीबतें उठाती, दम घुट घुट कर मर जाती, मगर तलाक का शब्द उनकी जबान से कभी नहीं जाता। और अगर बहू के मुंह का ही लफ्ज आया है तो उसकी तमन्ना अभी पूरी करते और इसे मेरी नजरों के सामने कभी मत लाना। देख मंगलू, शहर जा रहा हूँ, पता है शहर जाके क्या बनूंगा? थानेदार, जमादार। अरे जा जा जा, मैं पायलट बनूंगा, पायलट। ये अच्छी चिड़िया बना मेरा राजू। ये बेटा चिड़िया का नहीं, ये चिड़िया को उड़ाने वाले का अंग्रेजी नाम है। और चिड़िया का नाम भी बता दूं, वो देखो हवाई जहाज। उस दिन मेरा भी हवाई जहाज पूरे गांव में घूमेगा। राजू, पापा भैया को जल्दी बुला, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। तेरी गाड़ी तो छूट चुकी बेटा, उतर नीचे। क्यों पापा? चल मेरे साथ। हाँ पापा। ज्यादा सवाल करेगा तो मैं थप्पड़ मारूंगा। उतर। उतर, मैं कहता हूँ उतर। बापू तो मुझे गाय ले जा रहे हो बापू। खेत में। बापू मैं भैया के साथ शहर जाऊंगा। शहर में खेत नहीं राजू। बापू मैं पढ़ी वाली को ना स्कूल जाऊंगा। तेरा स्कूल तेरा खेत है। हमें हमारा हवाई जहाज हमारा हल है, हल से हमें रोटी मिलती है, हवाई जहाज से रोटी नहीं मिलती। राजू नहीं, राजू तू नहीं जाएगा, राजू तू नहीं जाएगा, राजू कब तक भूखा रहेगा? जब तक शहर नहीं पहुंचूंगा। अरे जब तक शहर नहीं जाएगा तब तक भूखा रहेगा? हाँ। मेरी बात मान। नहीं मानूंगा। तो चल चल के छोड़। नहीं छोड़ूंगा। पर भाई पे गुस्सा और मुझसे उतार रहा है तो बैठा रहा, रात भर यही बैठा था। राजू मैं खेत जा रहा हूँ, तू चलेगा? नहीं। अच्छा तो घर का ख्याल रखना। नहीं रखूंगा। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं। आखिर तुम मुझसे क्यों नाराज हो? मेरी मर्जी। मेरी मर्जी? बहुत ही पता किया, मेरा गुस्से को जानता नहीं है। मारो, क्यों नहीं मारते? अब हवाई जहाज उड़ाने का सपना छोड़ दे बेटा। तुम क्या कागज का भी नहीं उड़ा? देखे अगर मेरे बस की बात होती दुनिया के हवाई जहाज में तेरे कदमों पे डाल देता। तू किसान बाप का बेटा है, क्यों मुझे महल बनाया? क्यों न सोचा अगर तेरे महल गिर जाए तो तेरे बाप की जिंदगी पे आती रहेगी और तेरा बाप इस बोझ तले दब जाएगा। राजू दब जाएगा। बापू तुम मत रो बापू, मैं तेरे आंखों में आंसू नहीं दे सकता बापू। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, क्या हो गया? क्यों मेरी नन्ही सी जान को खा रहे हो? हम पत्ते भी नहीं खाने देते। अरे पत्ते भी कोई खाने की चीज़ है? अरे चुप हो जाओ,
चुप हो जाओ। रोटी कहाँ से दूँ? देखते नहीं मैं खुद मिट्टी खाकर पेट भर रही हूँ। अरे दे दे लेके पत्ता। ले भाई तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। क्यों सात बच्चों की माँ? अरे ये क्या बर्फी खा रही हो? हाँ मेरा बाप हलवाई है ना, मट्टी खा रही हो? मट्टी मट्टी? हाँ कुछ दिन से ये पालना खाली पड़ा था ना। मैं पूछता हूँ तुम्हें क्या फौज बनानी है? ये सात बच्चे क्या कब थे जो और मट्टी खा रही? अरे तो तुम्हारा सर खाऊं? घर में रोटी नहीं, मैं मिट्टी खा रही हूँ, बच्चे पत्ते खा रहे हैं। अरे अगर इन्हें पाल नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया? और यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो भाई इसमें हमारा क्या करते है? ये गधे जब ऊपर से नीचे उतरे तो अपना राशन कार्ड भगवान के पास ही छोड़ आए। तुम कहो तो अब क्या कर लिया? बस बस रहने दो, बातें मत बनाओ। हाँ ये बताओ कुछ पैसे वैसे मिले? कमाल करती, पैसे वैसे मिलते तो तुम्हें दूर से ही खुशबू आ जाती। खुशबू तो आ रही है। किस चीज की? पैसे की नहीं, खाने की मालूम होती है। हाँ खुशबू तो मुझे भी आ रही है, ऐसा मालूम होता है अड़ोस पड़ोस में कहीं हलवा पूरी बन रहा है। हाँ देखो हम लोग तो जान नहीं सकते, एक एक बच्चे को एक एक पड़ोसी के घर भेज दो, इन बिचारों का पेट भी भर जाएगा और किसी को भारी भी नहीं पड़ेगा। तब तक मैं जरा हलवा को, जब तक मैं जरा पूजा। अरे सो आ जा बेटा, आ जा अंदर, चुपचाप आ जा। ओ मंगल आ जा, तू भी आ जा। कुंडी बंदी की क्या करो? घर भर कोई नजला हो गया। अच्छा तो ये पूजा नहीं पेट पूजा हो रही है? अजी तो मैं कहाँ खा रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों को ही खिला रहा हूँ। तो वो दूसरों के बच्चे हो ना? अरे बुद्ध, अरे शुक्र रवि शरी सब आओ, देखो तुम्हारा बाप क्या लाया, जल्दी आओ। हाँ खाओ बेटे, खाओ, तुम्हारे ही लिए लाया। ऐसा करो खाना बहुत है, पड़ोसियों के बच्चों को भी बुला लो। नहीं नहीं नहीं, और मैं भी तो हूँ। हाँ ये तो मैं भूल ही गया था कि तुम भी हो। चटनी मत खाओ, खांसी हो जाएगी। ये भी ठीक कह रही हूँ, पानी पी लूँ? मैं पूछता हूँ आज मुझे खाना मिलेगा या पानी पीकर ही पेट भर लूँ? ओहो बहुत देर हो रही है, मुझे एग्रीमेंट करने जाना है। देखते रहे वो डार्लिंग, मैं कितनी बिजी हूँ। बेटे साथ साथ खाना। ये अपनी लीली है ना लीली, इसके डैडी के फर्नीचर से बहुत बड़ी शौक है। मैं इसके साथ जा रही हूँ, फर्नीचर लेकर आती हूँ, अपने घर पूरा सर बना दूंगी। आज नहीं डार्लिंग, एग्रीमेंट हो जाने दो, कल जाना। नो डार्लिंग, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर बिना सजावट के अपना घर कितना बुरा लगता है, ना किसी को बुला सकती हूँ, ना किसी को इन्वाइट कर सकती हूँ, ना पार्टी दे सकती हूँ। क्यों लीली के सामने शर्मिंदा करती हो? इस वक्त पैसे नहीं। पैसे की क्या जरूरत है, मैं किराया कर ले आती हूँ। हर वैसे हर वैसे मैम साहब, आपका खाना भी लगाऊं क्या? नो नो, मैं होटल में खा लूंगी। कम ऑन लिली, लेट्स मूव। अरे भाई प्लेट क्या साफ कर रहे हो, खाना लाओ, मुझे देर हो रही है। नॉनसेंस, कब से फर्नीचर खरीदने के लिए कह रहा हूँ लेकिन तुम हमेशा टाल देती हो। मगर कौन सा फर्नीचर की कमी है हमारे घर में? वाह, न ड्रेसिंग टेबल है, न सोफा सेट है और न ही रेडियो। तब क्या हुआ, आईना हमारी ड्रेसिंग टेबल है, कुर्सी हमारा सोफा सेट, रहा रेडियो, वो उसी घर में शोभा देता है जहाँ जरूरत से किसी भी चीज की कमी ना हो। हमारे घर किस चीज की कमी है? जो चीज गृहस्थी की जान है वो कहाँ है हमारे घर में? वो क्या चीज है साहब? सिलाई की मशीन। मैंने मानता मानी है
जिस दिन मशीन घर में आएगी उसी दिन साईं बाबा का कीर्तन कराऊंगी। अच्छी बात, इश्तेहारों के कुछ बिल रुके हुए हैं, मिल जाने दो, मशीन उसी दिन घर में आ जाएगी। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते बलराज जी। नमस्ते, आप फिल्म कंपनी में आप यहाँ क्या काम करते हैं? जी ये पूछिए कि क्या नहीं करता। राइटरों को स्टोरी का आइडिया देता हूँ, म्यूजिक डायरेक्टरों को ट्यूने देता हूँ, शायरों को मुखड़े बनाकर देता हूँ, डायरेक्टरों को एंगल समझाता हूँ, एक काम हो तो बताऊँ, डिस्ट्रीब्यूटर को फंसाए तो मक्खन ला, इनकम टैक्स के फर्जी आंकड़े बनाए तो मक्खन ला, उस पर भी यार लोग बाज नहीं आते, कहते हैं कि मक्खन लाल सेठ का चमचा है। अरे यू आर दीवाना, हमको ये अच्छी तरह मालूम है कि तुम वेरी गुड काम करता है, मगर हाँ मुन्ना, वो डांस मास्टर नटवर लाल के एग्रीमेंट का क्या हुआ? अरे वो तो पुरानी शर्त से अड़ा हुआ था, बोला मेरी बीवी को डांस दो तो काम करूंगा, मैंने भी उसे चकमा दिया, कह दिया पिक्चर में चार डांस है तो मैं तेरी बीवी को नचा देंगी। मगर मुन्ना हमारी पिक्चर में तो ओनली टू डांस है ना, फिर वही तुम झूठ बोला। अजी आप तो राजा हरिश्चंद्र के अवतार बने जा रहे भाई, कोई मिथरी देने से मरे तो जहर काय को देना, दिखाने के लिए उसकी बीवी का एग्रीमेंट कर लेंगे और डांस ले लेंगे हेलन और कुकू की, बाद में देखा करेगा अपने घर में बीवी का डांस, बुलाएगा हम भी चले चलेंगे। आई विल ऑल्सो एकंपनी यू मुन्ना। अच्छा तो मुन्ना मेहता जी को बोलो कि एग्रीमेंट तैयार करें। बेहतर पर सेठ जी एग्रीमेंट तो बनवाए देता हूँ, आप दस्तखत मत करिएगा, आपके दस्तखत मुझे करने पड़ेंगे इस एग्रीमेंट पर। वेरी क्लेवर, क्लेवर बॉय है। अच्छा तो मिस्टर बलराज तुम क्या कहता होता? सेठ जी आप हमारा बिल चुकाएं या न चुकाएं, आपसे मेरी एक प्रार्थना है। यस। आप ऐसी बेकार और बेमतलब की फिल्में बनाना बंद क्यों नहीं कर देते? What? आप लोग पिक्चरें नहीं बनाते, बीमारियां बनाते हैं, इन्हें कोने कोने में फैलाते हैं। अगर आप इसी पैसे से मुल्क की बीमारियों का इलाज बनाकर जनता के सामने पेश करें। बट हमारे मुल्क में कौन सी बीमारियां फैल रहा है? अरे बाबा यू आर प्योर दीवाना। सोचिए अमीरी और गरीबी, भूख और भीख, भेदभाव और छुआछूत, व्यभिचार, पाखंड, स्वार्थ, आपस की फूट, क्या ये बीमारियां आपको नजर नहीं आती? इनको मिटाने के लिए आप क्यों नहीं कुछ करते? सरकार आपको इनाम देगी, पेपर आपकी तारीफ करेंगे, पब्लिक आपको सर पर उठा लेगी। भाई साहब तुमने आज हमको बहुत खुश कर दिया। हेलो मेहता जी, मिस्टर बलराज को एकदम फाइनल कैश पेमेंट कर दो। यस। और हाँ सुनो, कंपनी के सब जूनियर स्टाफ को एकदम नोटिस दे दो और तुम भी अपना नोटिस टाइप कर लो। यस मिस्टर बलराज, आई एम नाउ दीवाना। भाई गॉड तुमने हमारी बहुत आंखें खोल दी, अब हम अपने मुल्क की सब बीमारियों को एकदम फिनिश कर देगा। प्लीज टेक योर कैश पेमेंट। थैंक यू। दैट्स ऑल राइट। नमस्ते जी। डर गई? ये लो 500 रुपए, आज ही वादा किया था आज ही मिल गए, खरीद लो सिलाई की मशीन। इंसान की नीयत साफ हो तो भगवान कितनी जल्दी देता है। हाँ हाँ बहुत जल्दी देता है। लेकिन सुनो मशीन तो 300 की आ जाएगी, 100 रुपया घर खर्च के लिए रखती हूँ, बाकी बचे 100 बताओ मैं इनका क्या करूँगी? हाँ वो कैसे? रोज की छुट्टी में की बच सकती हूँ, ये 100 रुपए तो मैं आपकी माता जी को बुलाने के लिए भेज रही हूँ। क्या गजब कर रही है, वो अपनी शरीर तक में नहीं आई, इसीलिए उनका स्वभाव समझ जाओ। स्वभाव कैसा भी हो लेकिन उनकी छाया और उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन जाने क्यों मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, तुम उन्हें खुश नहीं कर सकते। आप चिंता न कीजिए, घर में जो भी आता है अपना दाना पानी साथ लेकर आता है। आपको एक और खुशखबरी सुनाओ, कल से वो स्कूल वाली नौकरी है ना पक्की हो गई। अरे वाह, तब तो तुम्हें नौकरी और मशीन दोनों एक साथ मिल जाएगी। हाँ। गुड लक डार्लिंग, गुड लक। आज तुम्हारा एग्रीमेंट और मेरा एग्रीमेंट दोनों एक साथ। हाँ।
ये रहा तुम्हारे 500 रुपए और मेरे 1000। रानी तुम लाए हो 1500 रुपए, 500 रुपए तो फर्नीचर का किराया दे दूंगी, बाकी बची 1000। उसमें से मुझे ज्वेलरी लेनी है, शो के सजाना है, मेकअप का सामान भी लेना है, और फिर सबसे पहले तो मुझे नए मॉडल का रेडियोग्राम लेना है। रागिनी जब माँ के लिए जल्दी चाय बना के ले आओ। अरे जली हुई परफ्यूम चलाता है, तूने मेरा दूध पिया और मुझे गर्म पानी पिला रहा है, चाय पिला रहा है। माँ जी मैं दूध लेके आती हूँ, आप मशीन अंदर ले आइए। हाँ। बेबी जी दूध पीछे ले आना, पहले पोटली में इधर रखो। माँजी कहाँ गई मेरी, खाना कौन बनाता है? मैं बनाती हूँ माँ जी, ये लीजिए। छताक भर दूध लेकर आई है, चीनी भी नहीं डाला, देख
मुझे किसी का हाथ का खाना पीना पसंद नहीं। कल से मैं खुद अपने हाथ से खाना बनाऊंगी। बहुत अच्छा। सारा बदन चूर चूर हो रहा है। मैं दबा देती हूँ मांझी। अरे तो पूछती क्या, दबा ना। जरा हिस्से दबा, मुझे का पत्थर समझ रखा है। आप मशीन नहीं लाए, क्या बात है? पूजा में कोई अपशकुन हो गया राजनी। क्या हुआ? लोग भगवान की यहाँ भी चोरी से नहीं चुकते। मशीन को उठा लेते। तू कौन का भला है, बिना मुझसे पूछे शादी कर ली। देख लिया माँ का देश दुखाने का नतीजा। अब तू क्या खड़ी होकर शोर मना रही है? पाँव दबा। अरे जोर से दबा। ओ हरे जोर से दबाओ तुम भक्तो। माँ इतनी भारी मशीन खुद क्यों उठाई? मजदूर कर लेना था। अरे मजदूर लेके भाग जाता तो। लेकिन माँ तुम्हारे पास मशीन लाने के लिए पैसे कहाँ से आए? अरे पैसे से कहाँ लाई हूँ, मैं तो अपनी अकल से लाई हूँ। अकल से? अकल से दबाओ। तो फिर हमारे कपड़े भी अकल से बनवा दो ना। अरे हर काम मैं ही अपनी अकल से करूँ। अपने उस निखट्टू बाप से कहो कभी वो भी अपनी अकल लड़ाया करे। पर माँ पिताजी में अकल है ही कहाँ। ठीक कहते हो बेटा, मुझ में तो अकल उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुम पैदा हुए थे। ये मशीन कहाँ से उगाई? फिर बताऊंगी, पहले ये बताओ कुछ नकद नारायण लाए हो या नहीं। देखो नकद तो तुम्हारी किस्मत में रहा नहीं, नारायण रहा है तो हाजिर है। क्या मतलब? मतलब ये कि टूट गया वो पेड़ जिसपे फल लगते थे। हाँ? तुम्हारी कंपनी का सेठ मर गया क्या? सेठ मर गया था तो मुझे संतोष था, लेकिन कम वक्त में जीते जी ही मुझे मौत का सर्टिफिकेट दे दिया। वो देखो ना, पढ़ो ये नोटिस। देखा, मैं ना कहती थी कि मत करो ये चमचागिरी, एक दिन फेल हो जाएगी। देखो दुनिया में सब कुछ फेल हो सकता है। फिल्में फेल हो सकती हैं, डायरेक्टर फेल हो सकते हैं, हीरो हीरोइन फेल हो सकते हैं, लेकिन चमचागिरी कभी फेल नहीं हो सकती। मगर ये तो बताओ कि नौकरी कैसे छूटी, नोटिस क्यों मिला? तुम तो जानती हो दुश्मन तो मुझे मार नहीं सकता, हमेशा दोस्तों ने मारा। और घुस घुस के बैठो बलराज के घर में। कम वक्त में ना जाने सेठ को क्या पट्टी पढ़ा दी। 4 साल की नौकरी 2 मिनट में खत्म हो गई। अच्छा ये बात है, ये मशीन देखी है ना? कितनी बार देखो। इधर सुनो। ओहो ये बात है। जीती रहो जीती रहो। 2-4 चक्कर उस बेईमान के घर के और लगाओ ना, ताकि मुझे जिंदगी भर नौकरी नहीं करनी पड़े। और देखो इस जाली चेक को जल्दी से कैश कर लो। पहली बात हमें पैसों की जरूरत है, और दूसरे पुण्य के माल को छिपाएंगे कहाँ। वो तो मैं तुम्हें भी छुपा लूंगी। मगर ये तो बताओ कि नोटिस के साथ 1 महीने की तनख्वाह मिलती है, वो कहाँ छुपा रखी है? हाय हाय कैसी मट्टी पलीत हुई है कानून की। और पे भी वकील बन गई। लो बाबा नोटिस की तनख्वाह, गिन लो पूरे 100। मुझे 100 रुपए दे दो कानून। बाबू की चिट्ठी आई है, राजू सख्त बीमार है, मैं तो वहाँ जा नहीं सकता, इलाज के लिए रुपए भेज देता हूँ। माँ बाप को रुपया जरूर भेजना चाहिए, लेकिन डार्लिंग ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? 1500 का हिसाब तो सुन चुके हो, और फिर मिस्टर को मेरी बर्थडे है, 300-400 का खर्च सामने नजर आ रहा है। तो फिर क्यों ना हम राजू को यहीं बुला लें? आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन डार्लिंग हम दोनों तो जाया करेंगे शूटिंग पर। बीमार बच्चा है, बेचारे की देखभाल कौन करेगा? ओह माय गॉड। फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। लेकर लिख दो कि तुम सख्त बीमार हो। नहीं मुझसे झूठ नहीं लिखा जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ। लेकिन कानून। राजू ले बेटा दूध पी ले। पी ले बेटा, 2 दिन से तेरे मुंह में कुछ नहीं गया। नहीं पापा, मैं नहीं पीऊंगा पापा, मैं शहर जाऊंगा पापा। अरे भैया आपकी चिट्ठी बैजी, चिट्ठी पढ़ो क्या लिखा है। तेरे भैया की चिट्ठी आई है, तुझे शहर बुलाया है। मैं शहर जाऊंगा। मगर शर्त ये, पहले दूध पी लो। पूछिए पिताजी। नमस्ते। आपको जी सुनकर दुख होगा कि मैं खुद भी यहाँ बीमार हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे टीबी हो गई है, लेकिन आप फिक्र न करें, रुपये भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। राजू अब कैसा है, उसे मेरा प्यार, आपका पुत्र नटवर। बापू भैया को क्या हो गया? बापू भैया को क्या हो गया? बोले ना बापू क्या हो गया? ना पूछ बेटा, मैं उसकी बीमारी की खबर सुनकर तेरी बीमारी भूल गया।
सकता था। चलो हम लोग शहर चले बापू, चलो भैया के पास, चलो बापू। हाँ बेटा, हम आज ही जाएंगे, मगर बेटा तुम्हें दूध पी जाए। नहीं बापू। पी लो बेटा। नहीं बापू। नहीं बेटा पी लो। नहीं बापू मैं नहीं पीऊंगा, मैं भैया के पास जाते ही पीऊंगा बापू, मैं नहीं पीऊंगा बापू, चलो ना जाए बापू। झूमने के दिन आए, फूलों को झूमने के दिन आए, जिंदगी के मजे ले 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 लो। बम 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 झूमने के दिन आए, फूलों को झूमने के दिन आए, जिंदगी के मजे ले 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 लो। ठिठोली दुनिया को मारो गोली, हम मस्तों की टोली, कलियों से भरे झोली, बोले गिट पिट बोली, आए हैं गजब गोली खा। बम 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 झूमने झूमने के दिन आए, फूलों को झूमने जिंदगी के मजे ले 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 लो। उछाला मारे झटके तोड़े किनारे, दिन में दिखाए तारे, कभी न जवानी हारे, मरे या किसी को मारे, किसी के सहारे प्यारे आ। बम 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 झूमने झूमने के दिन आए, फूलों को झूमने के दिन आए, जिंदगी के मजे ले 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 लो। अखियां फड़क गई, बिजली कड़क गई, धरती धड़क गई, दुनिया भड़क गई, खोपड़ी तड़क गई, उल्टी सड़क गई। अखियां फड़क गई, बिजली कड़क गई, धरती धड़क गई, दुनिया भड़क गई, खोपड़ी तड़क गई, उल्टी सड़क गई। बम 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 झूमने झूमने के दिन आए, फूलों को झूमने के दिन आए, जिंदगी के मजे ले 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 लो। बम 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 कहाँ है वो? मैं आपकी बहू नहीं। हाँ? बेटी, मैं नटवर का बाप हूँ। उसे कहाँ ले गए हैं? तुम नटवर को जानती हो? हाँ, आइए मेरे साथ। कामिनी आ रही है। मेरा बेटा कहाँ है बहू? मैं तो देखने आया हूँ। वो तुम्हारा बेटा था शादी से पहले, अब मेरा हस्बैंड है। तो क्या शादी के बाद बाप बेटे का रिश्ता टूट जाता है कामिनी? तुम ये बताओ बहू, नेटवर्क कहाँ है और वो कैसा है?
क्या मतलब? उसने चिट्ठी में लिखे थे ना इसके उसको टीवी। वो तो हमने मजाक किया था। मजाक? एक बाप की ममता से मजाक किया? आज मैं क्यों ना दुनिया के हर माँ बाप से कह दूं कि औलाद वालों उस कलेजे पे पत्थर रख लो जो हरदम औलाद के प्यार से भरपूर रहता है। भूल जाओ कि संतान बुढ़ाते की लाठी होती है, भूल जाओ कि खून से सींचे हुए पेड़ में भी फल लगते हैं। क्या शोर मचा रहे हो? अगर किसी को मालूम हो जाए कि तुम नथवर के बाप हो तो हमारी कितनी उछंट हो जाएगी। राघवी इन्हें ले जाओ यहां से। बापू, बापू, ये तो भाभी की आवाज थी। तूने तो आवाज पहचान ली लेकिन उसने तो हमें देखकर भी नहीं पहचाना। भैया कहे बापू, वो हमारे पास होते हुए हमसे बहुत दूर हो गया है। वो यही है बेटा लेकिन हम उससे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते बापू? यहाँ कपड़े देखे जाते हैं बेटा, रिश्ता नहीं देखा जाता। यहाँ दौलत देखी जाती है लेकिन दिल नहीं देखा। भैया अब तुम अच्छा हो गए ना भैया? हाँ मैं बिल्कुल अच्छा हो गया हूँ। चलो बाबू अंदर चलो। नहीं बेटा, तुझे देखने के लिए रुका था, आंखें ठंडी हो गई, अब कहाँ वापस चला जाऊंगा। नहीं नहीं बाबू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ठीक कह रहा हूँ बेटा, मैं तेरे घर के लायक हूँ, तेरे गरीब बाप का बेटा बदनाम हो जाएगा। बदनामी की बात तो यह है बापू कि एक बाप अपने बेटे के घर के दरवाजे तक आए और वापस लौट जाए। नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते बापू, देखो ना राजू को कितना बुखार है, तुम अंदर चलो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। चलो बापू। लोग सिगरेट भी क्या पीते हैं, सिगरेट की जान निकाल लेते, कौड़ी कौड़ी वसूल करते हैं बेशक। ओ सिगरेट क्या मसला, दिल ही मसल दिया। कम वक्त पेट पर लात मारते, ना खाते ना खाने देते। इंसाफ, आप औरत को कर सिगरेट पीता शर्म नहीं आता? यू नॉनसेंस, शर्म। शुक्रिया, औरत जब भी खफा होता है मर्द का फायदा ही होता है। ना जमा सिगरेट तुमकी, कलेजा मेरा फूटता है। जानते उसके पीने से क्या होता है? क्या होता है? पहले खाते फिर दम फिर टीवी और उसके बाद जो कुछ होता है तुम्हें मालूम ही होगा। भाई साहब शायद आपको मालूम नहीं उसके बाद क्या होता है। मैं सिगरेट पी रहा हूं। पाँव मत रखिएगा, पाँव चल जाएगा। शुक्रिया, सिगरेट फेंकने का नहीं, सिगरेट ना मसलने का। चमेली ओल दिया ना कारखाना, भगवान ने चाहा तो 100 रुपए रोज की आमदनी होगी। बम्बई के मिस्टर पीते हैं, बम्बई के मिस्टर पीते हैं। पीने की भी आदत वैसी है, सब लोग बराबर पीते हैं, सब लोग बराबर पीते हैं, सब लोग बराबर पीते हैं। रखे जो सबको पिला कर पीते हैं, सबको पिला कर पीते हैं, जो पिला कर पीती है सब लोग बराबर पीते हैं, सब लोग बराबर पीते हैं। जो कोई पिए उसके सर से लाखों ही बलाएं चल जाएं,
सरा लहराए दुआ दिलवाले वहीं पे मचल जाए लोग पिए तो फिसल जाएं। ओ बाबू संभल कर सुल जाना ऐसा न हो मुझे जल जाए। होशियार वो है जो सिगरेट को नलकी में लगा कर पीते बस मैं तैयार हूँ, तुम जल्दी से दूध ले आओ। जी अच्छा। माँ जी उनके लिए दूध दे दीजिए। मैं क्या जानू तूने कहाँ रखा है दूध? इसी गिलास में तो रखा था माँ जी। अरे तुम उससे क्या पूछती है, ढाक कर नहीं रखा होगा, पी गई बिल्ली। मैंने तो ढाक कर रखा था। हाँ राम मुझ पर तोहमत लगाती है जैसे मैं इसका दूध पी गई। भगवान मेरे दोनों हाथ चला दे तो मैंने गिलास को छुआ तक भी हो। रागिनी जी रहने दो, अब मैं जाता हूँ। ओ बहुत जल्दी आ रहे हैं, ओ बहुत जल्दी। क्या हुआ माँ जी, ये चावल कैसे गिर गए? अरे तो जो चावलों से पड़ी है यहाँ मेरे हाथ पांव जल गए, उसकी कोई चिंता नहीं। हाँ, दवा रखी है? मैं अभी लाती हूँ। दवा रखी है? अभी लाती हूँ, पैसे बचाती हूँ। अरे डॉक्टरों को बुला। राम राम, अरे कहाँ गया बन्नू का बच्चा? रागिनी। हाँ राम, हाँ राम। ये सब क्या हुआ माँ? देख ले बगार बेटा अपनी महारानी की कतू, दिल तो जला ही था बदन भी जला दिया, उबलते हुए चावल की तपेली मुझ पर गिरा दी। तो तुम्हें रसोई पकाने के लिए किसने कहा था? खाओ खाइए सब झंझट मोड़ लेती हो। मैंने तो बहू का दिल देखने के लिए कहा था बेटा, मुझे क्या मालूम घर का सारा काम काज मुझ पर जो कर अपनी चमचम करती फिरेगी। आज उबलते हुए चावल गिरा दिए, कल मिट्टी का तेल गिरा देगी। माँ जी क्या मैंने आपको जलाया है? नहीं तो मैं अपने आप जल गई हूँ। अरे तू तो मेरी पिछले जन्म की बारह है, मेरा यहाँ आना तुझे खल गया। आई थी बेटे के घर से मच्छिया पड़ गई बहू के पल्ले। ले बेटा तुम खाओ ना माँ। अरे तू थका मांदा काम से आया है, पहले तू शुरू कर। चले मेरी भी थाली आ गई। अरे दाल में इतना नमक? नमक ज्यादा तो नहीं डाला मैंने, मेरी दाल में तो ठीक है। ऐसा क्यों? मैं समझ गई बेटा, ये थाली मेरी है और ये थाली तेरी है। बहू ने ये मेहरबानी मुझ पर की है, समझा? कोई फर्क नहीं किया माँ जी, आप क्यों मुझ पर दोष लगा रही हैं? मैं कुछ पर दोष लगा रही हूँ? देख रहे बल्लू, तू भी झूठा और मैं भी झूठी, एक ये आ गई हर चंदन की बेटी पर की। ठीक सही होता है। रागिनी तुम चुप हो जाओ। मैंने तो चुप रहने का फैसला कर रखा था, लेकिन मजबूर होकर ये पूछने आया कि क्या तुमने हम बाप बेटों को जानवर समझ रखा है कि बिन मसाले की कच्ची पकी तरकारी भी खा देखो। तुम्हारे लिए कोई स्पेशल खाना नहीं पकाया मैंने, जो हम खाते हैं वही तुमको दिया है। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो दाल से रसोईया फक ले कर आया था। भूल हो गई मुझसे, भगवान न करे फिर कभी शहर आना पड़ा। रसोईया को क्या, अपना झोपड़ा भी साथ लेकर आऊंगा। ये तीखी बातें अपने बेटे से किया करो, एक तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ऊपर से हुक्म चलाने लगी। मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, वो चीज अच्छी नहीं लगती, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। नमस्ते कामिनी देवी। क्या है? फर्नीचर का किराया लेने आया हूँ। तू भी आता है, हम चूसने आता है। क्या मतलब? तुमसे नहीं कह रही हूँ,
बात यह है कि घर में मेहमान आ गए हैं, उनके खाने पीने और दवा दारू से काफी खर्च करना पड़ेगा। अगले महीने दे दूंगी। जी नहीं, अगर आज मुझे किराया न मिला तो मैं सारा फर्नीचर उठा ले जाऊंगा। तो उठा ले जाओ, अपने घर भले बर्बाद हो गए लेकिन हमारे मेहमान सलामत रहे, उनकी सेवा तो हमें करनी ही पड़ेगी। नहीं बहू, कौन माँ बाप अपनी औलाद का घर बर्बाद होते देख सकते हैं। तुम्हारा घर जैसा भी आबाद है, भगवान करे हमेशा ऐसे ही आबाद रहे। मेरा राजू ठीक हो जाए, हम फौरन गांव वापस चले जाएंगे। बापू, बापू पानी, पानी, पानी बापू। मैं भी पानी देता हूँ। माफ करना, ये गिलास टूट गया। क्यों टूट गया? आदमी की मर जाता है। नुकसान करके बातें बनाते हो? मेरा इतना कीमती सब खराब कर दिया। नौकर से टूटता तो तुरंत वसूल करके छोड़ती, लेकिन तुम तो अपने घर के हो, चाहे सारे घर को जाकर खा कर दो, तुम्हें फंसने वाला कौन है? नुकसान नेटवर्क, मुझसे ये नुकसान तो बर्दाश्त नहीं होगी। क्या बताली? अपने बाप को सोने चांदी के लिए वाला तुम्हें खिलाओ, मैं नहीं खिला सकती। हमारे घर का खाना उनके गले से नहीं उतरता, उठाकर फेंक दिया और बसों में गिलास भी तोड़ डाला। जानबूझ कर नहीं तोड़ा होगा, टूट गया हूँ। तुमने उन्हें कुछ कहा? तुम उनसे क्या कहती, मगर तुमसे पूछती हूँ, अगर उन्हें यहाँ तकलीफ है तो किसने संदेशा भेज कर बुलाया था? क्यों चले गए दूसरे पर बोझ डालने के लिए? क्यों इतना चिल्ला रही हो कमी? आखिर तुम चाहती क्या? मैं आज फैसला चाहती हूँ, या तो इस घर में मैं रहूंगी या अपने बाप और भाई को रखो। उनका खाना पीना देखो, बीमारी देखो, रुपये चोरी करके लाओ, डाका डाल के लाओ मेरी बला से। ठीक है बाबू, तुम बेहतर क्यों मांग रहे हो? उससे क्या पूछता, जाकर अपने जोड़ों से पूछ, जिसके लिए हम बोझ बन गए। लेकिन ये घर उसका नहीं, मेरा है। तुम उसकी बातों पर क्यों ध्यान देते? बात हो तो बर्दाश्त भी कर लूं, अरे वो बात नहीं करती, सीने में सूल चुक होती है। उससे कह देना कि मैं इतना नीच नहीं कि बिन बुलाए किसी के दरवाजे पर आ बैठूं। उसे बुलाया कि ना, बीमारी की झूठी खबर लेकर बाप के प्यार को आसमाया गया, मेरी मोहब्बत में जोश दिलाया गया, तब आया। चल राजू उठ। मैं नहीं जाऊंगा कामने की तरफ से, मैं माफी मांगता हूँ, मैं एक पल भी नहीं छोड़ूंगा। चल चल राजू। नहीं बापू, देख मेरा आदमी कहा नहीं मानेगा, मैं मानूंगा तुम। चल मानना तो जान के मान दो, पढ़ूंगा नहीं तो जी फिर क्या करूंगा? देख बापू, राजू को पढ़ने का कितना शौक है। पढ़कर तुमने कौन सा बाप को फल दिया जीजे देखा? चल मैं कहता हूँ चल, ओ चल बापू, चल मैं कहता हूँ भैया का बापू। चल बापू, बापू मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ बापू। मैं जाऊँ तो मेरी जिद को जानता है नटवर, जाने दे मुझे। तू मत घबरा भैया, मुझे कहा बैठने दे, आज ही रात को घर से बाहर करना और सीधा तेरे घर जाऊंगा। चल बापू। बापू सुन लिया, तुम्हें जाने ही तो राजू को यही छोड़ जाओ, मैं उसे अपने ज्यादा पढ़ाऊंगा, मैं उसकी जिंदगी बना दूंगा, उसे यही छोड़ दो बापू। अच्छी बात, लेकिन तुम मुझे वचन दे कि तुम इसे मेरी अमानत समझेगा। मैं वचन देता हूं बाबू। और सुन, इसके दिल को यहां जरा भी ठेस लगे तो मैं वहां तड़प उठूंगा, मैं वहां रहूंगा, मेरी आत्मा यहां रहेगी। चिंता न करो बाबू, चिंता न करो। और बेटा, इसे अगर किसी वजह से न पढ़ा सके तो कहां वापस भेज देना, मेरी तरह हल चलाना सीख जाएगा। फिर बड़ा होकर ट्रैक्टर और हवाई जहाज के सपने नहीं देखेगा। तुम धीरज रखो बापू, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। क्या मेरी इच्छा पूरी करेगी? बहुएं तो सास के पाँव धो धो कर पीती हैं और वो तो मुझे पाँव की जूती समझती है। तेरे सामने की बात है ना, कल मैंने कहा था तुम मुझे सूती साड़ी ला दे, लाई क्या? अरे माँ, दुनिया में वहम का कोई इलाज नहीं है। तुम खामखा रागिनी को गलत समझ रही हो, वो अपने तो अपने परायों के भी काम आने वाली है। यही तो रोना है बेटा कि वो परायों से काम आती है, अपनों को तो पूछती तक नहीं। ये देखो, तुमने एक साड़ी के लिए कहा था, रागिनी दो साड़ी ले आई है।
और ये देखो, इस छुपे खजाने का पता मुझे भी आज तक नहीं था। लेकिन ये खजाना आया कहाँ से? बोल बोल। हाँ, उसने रोज की छोटी छोटी बचत से जोड़ा। अरे क्यों जोरू का गुलाम बन गया है बल्लू? मैं कहूँ क्यों तेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है? तेरी कौन सी अंधी कमाई है जो इतने रुपए इकट्ठे हो गए? ये तो कुछ भी नहीं है माँ, पिछले महीने मुझे कुछ भी पता नहीं चला और उसने 50 रुपए के सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लिए। और तूने भरोसा कर लिया तो तेरी ही कमाई से थे? हे भगवान, अब तो नहीं सहा जाता, मेरा घर भस्म हो गया इस घर में। मैं कहती हूँ इन साड़ियों को जला दे, चूना भी पार कर। माँ, ये तुम्हारी बहुत ज्यादती है। जब से तुम इस घर में आई हो रागिनी की 1000 बुराइयां कर चुकी। मैंने आज तक नहीं टोका, लेकिन आज तुमने ऐसी बात कही है, जी चाहता है, जी चाहता है जिंदगी भर तुम्हें अपना मुंह न दिखा। नमस्ते, नहीं पीता। नमस्ते माता जी, आप कैसी हैं? वो मंजू, हाँ है मंजू, उसका नाम मत ले, मेरे मुंह से कोई सच्ची झूठी बात निकल जाएगी तो मेरा बेटा मुझे घर से बाहर निकाल देगा। अरे ओ माता जी, ओ माता जी, डराओ माता जी, क्या चल रहा है? अरे डराओ जल्दी, आओ देखो तो सही, जा देखो। अरे बंदो, ओ बंदो, जल्दी 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 देख अपनी रागिनी को, अच्छी तरह देख ले। देख लिया अपनी सती सावित्री को? कह दे कि रागिनी नहीं कोई आवारा औरत है, तेरी बातों का तो विश्वास नहीं, अपनी आंखों पर भरोसा कर। कौन है वो आदमी जिसके हाथों में हाथ डाल के घूम रही है? ये बड़ा बदमाश आदमी है माता जी, एक दिन से मेरा भी हाथ पकड़ लिया था, मगर मैंने तो छूटते ही ऐसा तमाचा दिया। आबरू बहुत बड़ी चीज होती है, जो समझे उसके लिए। इस कलंक मिट्टी में मिला दिया है, इसमें बहू का कोई दोष नहीं है माता जी। ये आदमी पैसे वाला है और पैसे की लालच इंसान को ही जाती है, मगर रागिनी में उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो उनसे कभी नहीं मिलूंगी। नमस्ते माँ, इसके काम मेरी लाठी गुम हो गई और आपको मेरी लाठी गुम हो गई। मेनी मेनी थैंक्स। आप अंग्रेजी भी जानते हैं? जी हाँ, मैं अनूप स्कूल में टीचर। अच्छा, नमस्ते। अब सोचने से कोई फायदा नहीं बेटा, जो होना था तो हो गया, नाक कटने की सब कट गई, खानदान की इज्जत जाने की सब गई, अब तू क्या कहता है? मां, मैं इसका गला खोदूंगा, मैं इसका गला खोदूंगा। मां, तुम मुझे छोड़ो, मां मैं कैसे भागूंगा? अच्छा से जाओ, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं बलराज, मुझे डर लगता है, मातों का गुस्सा हटा पीछा नहीं देखता, कहीं ऐसा ना हो बेटा कि लेने के देने पड़ जाए। तू ही ऐसा माशा देखा है, जब हसाई हो तो घबरा है, शांति रख, जब आएगी तो मैं उसकी चिकैया पकड़ के बाहर निकाल दूंगी। चल बेटा अंदर बैठ, शांति से अंदर बैठ बेटा, चल। क्यों रे, तो कब तक हमारी आंखें मझोल झोंकती रहेगी? मैंने क्या किया है मांझी, मुझसे पूछती है इस शरीर आपको को धर्म है जो तू कर रही है? आप क्यों मेरी जबान खोलना चाहती है? अरे तू क्या जबान खोलेगी, तेरी जबान काट नहीं दूंगी, स्कूल के बहाने तू छपे हुआती है। मांझी मैं हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई मेरी इज्जत पर हमला करे ये मैं कभी सहन नहीं कर सकती। तुम बात क्यों नहीं कर देती? आप ही बताइए इस तरह जिंदगी कैसे कटेगी? आए दिन के झगड़ों से घर की शांति चली गई, अगर आप इन्हें नहीं मिटा सकते तो मुझे मेरी माँ के घर पहुँच दीजिए, फिर शांति हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। अरे इस घर में शांति उसी वक्त होगी जब तू यहाँ सबका मुंह काला करेगी। चल निकल यहाँ से, चल। सुनिए तो, सुनिए, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरे बोलने की कोई गुंजाइश नहीं रही। आपने सुना माता जी ने क्या आज्ञा दी है? मैं बहरा नहीं हूँ। आपकी क्या आज्ञा है? मेरी आज्ञा क्यों पूछती है? आप मेरे पति हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जाने दो। आज आप कैसे कैसे बातें कर रही हैं? इस बर्ताव का मतलब मैं क्या समझूं? जो जी चाहे समझो।
क्यों डोरे डाल रही है? काय तो दिया इसने, इधर ही जा। स्वामी चल यहां से निकल। ये रहे अपनी साड़ियां और ये रहे अपनी किताबें, ये रहे अपना झोला मांगा और ये रहे अपना बक्सा और ये रहे अपना काफी खजाना। जब इस घर से जाना ही है तो मुझे यहाँ की कोई चीज नहीं चाहिए। छोड़, छोड़ मेरे बेटे घर में, ये मेरा धर्म है, ये मेरे जीवन यात्रा के साथ ही है। जीवन यात्रा की पत्नी छोड़ और निकल निकल चल निकल जाया मेरे बेटे को खाना चाहती है। धूप हो या छाँव हो, दूर तेरा गाँव हो, चाहे थके पाँव हो, चलता चल तू चलता चल। ये फूल आज ये कांटे मालिक ने बराबर बांटे, फूलों का बाग लगाना तो कांटों से कभी ना डर। मत खो अखियन के मोती, सच की चमके की ज्योति, हर दम सूरज को ढक न सका, उड़ता फिरता बादल। चलता चल धूप हो या छाँव हो, दूर तेरा गाँव हो, चाहे थके पाँव हो, तुम्हारी माँ मर गई हो। क्या बक रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। कहाँ से तकलीफ ला रही है? बलराज के घर से आ रही हूँ, रागिनी को घर से निकलवा दिया, दुश्मनों के घर में आग लगा दी। वाह 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 वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन अपने कारखाने में भी आग लगा दी है। कैसे? लोग समझ गए कि माल नकली है। ओहो, लोगों में इतनी अकल आ गई क्या कि अब नकली पहचानने लगे? कैसा उल्टा जमाना आ गया। पर तुम चिंता मत करो, दिमाग सीधा होना चाहिए, दुनिया में उल्टे धंधों की कमी नहीं। हाँ। सोचता हूँ कोई नहीं करती। सोचो सोचो लो सोचो। हाँ, अरे ये क्या तकल्लुफ कर रही हो? नई तरकीब सोचने के लिए तो तुम्हारा सिर्फ हाथ ही काफी था। मैं गरीब विद्यार्थी हूँ, हालत खराब होने के कारण किताबें खरीदने की ताकत नहीं। अगर आपके घर में मेरे योग्य किताबें हों तो उन्हें भेजकर एक जरूरतमंद विद्यार्थी पर उपकार करें। आपकी एक किताब मेरे लिए विद्या का खजाना है। लेकिन वो विद्यार्थी कौन है? समझ लीजिए कि मैं ही। क्या मतलब? देखिए साहब, आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने? इश्तहार छापिए और अपना बिल लीजिए। मैं ऐसे झूठे इश्तहार छाप कर को धोखा देना नहीं चाहता। तो मत छापिए, मैं तो पड़ोसी समझ के आ गया था दस बीस खटाने। वरना साहब, अखबार पढ़ने वालों की कमी हो सकती है, अखबारों की कोई कमी नहीं। 25 जगह छपा लूंगा और बिल दूंगा 25 महीने बाद। ले जाइए अपना इश्तेहार। अखबार क्या चल जाता है, दिमाग चल जाता है। अरे साहब, हमने भी बहुत अखबार निकाले और बंद कर दिए। अखर लाल जी, आपका पार्सल। अरे भाई, कोई पार्टी वाला कर लेते। ला ला, क्या बात है मक्खन लाल जी, आजकल आपके नाम बहुत सारे पार्सल आ रहे हैं। अरे भाई, अभी तो आने शुरू हुए हैं, लाते लाते थक जाओगे, नौकरी छोड़ के भाग जाओगे। अच्छा, अरे आज फिर इतने पार्सल आ गए। नजर न लगाओ, इनमें है क्या? नोटों के बंडल। नोटों के बंडल? किसने भेजे? बेवकूफों ने। अच्छा, ये तो रद्दी किताबें हैं। रई ना मूड, गुल बदन किताबें लिखने वाले रद्दी हो जाते हैं, किताबें कभी रद्दी नहीं होती। खुलो जल्दी जल्दी खुल। हाँ, इलाहाबाद, मुरादाबाद,
गाजियाबाद, मतलब ये कि हर शहर में बेवकूफ मौजूद है। खरीदिए खरीदिए भाई साहब, हर एक किताब चार चरण में, इनका मुंह मत देखिए, हर एक किताब चार चरण में, हिंदी विरोधी मराठी किताब चार चरण में, हर एक किताब चरण में, सस्ते जवाब सस्ते में, चार चरण चार चरण। साहब सस्ता माल है इसीलिए जा रहे हो? अच्छा महंगाई का जमाना आ गया, सस्ती चीज किसी को पसंद ही नहीं आती। बेटा आठ आने की आवाज लगा, सब भेड़ों की तरह टूट पड़ेंगे। लड़ा कोई चोरी का बाल है? अरे किताब आ जाने में, रस्ते में आवाज सस्ते में, जो हिंदी की जाती मराठी किताब आ जाने में, आ जाने आ जाने में, आ जाने में। इंग्लिश किताब क्या करें, गुजराती गुजराती किताब क्या करें, इंग्लिश किताब क्या करें। भाइयों इन किताबों को मत देखो, इस अनाथ बच्चे को देखो, खुद के पढ़ने के दिन है और विद्या बेच रहा है। मालूम होता है गरीब का बाप मर गया। पिताजी आप तो इधर ही खड़े हैं। ये मेरा पिताजी है? अजी किसी से कहिएगा भी नहीं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। अरे यारो ये मेरी किताब है, मैंने इसे पार्सल भेजी थी और ये मुझे खुद ही बेच रहा है। क्या बच्चे? अरे चोर है, मारो इसे। मेरी किताबें आज आ गई ना, मैं रोज पढ़ा करूंगा। अभी से खर्च करने की क्या जरूरत है, जब स्कूल जाता तब ले आते। तो क्या हुआ, घर में ही पढ़ेगा? पढ़ाएगा कौन? इसके लिए मैंने टीचर रख लिए, तुम देखोगे तो खुश हो जाओगी कामी। घर के खर्च पूरे नहीं होते, ये खर्च और बढ़ा लिया। देखो कामी, राजू के बारे में कुछ न कहो, ये मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है, मैं इसके लिए अपना खर्च कम कर दूंगा। भैया भाभी से कहो ना कि चिल्ड्रन का खर्चा कम कर दे। देखा तुमने, राजू सिगरेट को फिजूल खर्ची समझता है, कितना इंटेलिजेंट है मेरा राजू। नमस्ते। लो राजू तुम्हारे टीचर आ गए, नमस्ते कहो। नमस्ते टीचर। ओहो तो आप हैं, देखते हैं ये टीचर पढ़ाती है राजू को या सड़क पर केले के छिलके मत फेंको। सड़क पर केले के छिलके छिलके मत फेंको फेंको, बेकार की बकबक बेकार की बकबक मत करो मत करो। राजू मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं बेटा जाओ, भाभी की बात नहीं कराओ। हाँ जाओ, बेकार की बकबक मत करो, बेकार की बकबक मत करो, बेकार की बकबक मत करो, बेकार की बकबक मत करो। क्या है भाभी? देख राजू देख, सामने देख, देखा सब बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, जा तू भी उड़ा। ये ले पैसे, मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा। अरे पतंग नहीं उड़ाएगा तो हवाई जहाज कैसे उड़ाएगा, इतना भी नहीं समझता? मैं सब समझता हूँ भाभी, तुम मुझे खेलकूद में लगाना चाहती हो, अनपढ़ रखना चाहती हो। बेकार के बकबक मत करो, जिद को कैसे टाला जाए। आई एम वेरी मच वरीड। हम तो आज बहुत वरीड हो गया है मिस्टर नसरलाल, डांसर का टेलीग्राम आया है कि हम बंबई नहीं आ सकता, वो लोग बोलता है कि मद्रास में आकर शूटिंग करो। अब तुम क्या बोलता है? तो सेठ जी आज ही मैं मद्रास के लिए रवाना हो जाता हूँ। अरे रवाना नहीं, उड़कर जाओ, बाई प्लेन पहुंचो, हम अभी बुकिंग करता है। यस मिनट सेठ जी, यस वो मेरा इंस्टॉलमेंट। यू मीन पेमेंट, यू आर दीवाना, जाओ माता जी से जाकर कैश पेमेंट ले लो। नहीं डालू, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम बड़ी सेंटिमेंटल हो डार्लिंग, ऐसा करोगी तो शायद मैं जा ही नहीं सकूंगा, प्लीज लेट मी गो। पांच दिन से ज्यादा तो नहीं लगोगी? एक सेकंड भी नहीं बस। अरे हाँ ये लो 3000 रुपए, इन्हें संभाल कर रखना, बापू के लिए ट्रैक्टर खरीदना है। लो मेरे प्लेन का वक्त हो गया, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। चलो ट्रैक्टर खरीदना है, कार ना खरीदूंगी। तो फिर कौन सी कार खरीद रही हो बहन जी? अरे क्या खरीदूंगी, 3000 में कौन सी कार आएगी? अरे 3000 में एक क्या 30 कारें खरीद सकती हो? कैसी? आज डर्बी की रेस है और मुझे जॉकी से टिप मिला है, 3000 के 3 लाख हो जाएंगे। 3 लाख? चलो चलो लेट्स गो, कम ऑन लेट्स गो। ये
रुपयों का कुछ इंतजाम हुआ? कोई इंतजाम नहीं हुआ, ये बहाना कर दिया। रोजी ने कहा कि दो दिन पहले आती तो 3 क्या 4 हजार दे देती, और यहाँ तक कि डैडी ने 100 कहकर टाल दिया। ओफो, माफ करना बहन जी, भला करने गई थी, बुरा हो गया, जो होना था वो तो हो गया। लेकिन आज नटवर आने वाला है, उसे क्या जवाब दूंगी? आए मैं बताऊँ, कह देना रुपए चोरी हो गए। चोरी हो गए? पूछेंगे कैसे हुए, किसने चुराए। नमस्ते, राजू कहाँ है? जाओ अंदर बैठो, आ जाएगा। बहन जी, ओ बहन जी, इसी पर इल्जाम लगा दो ना, रोज पढ़ाने आती है, नटवर बाबू को फौरन यकीन आ जाएगा। डार्लिंग, डार्लिंग गई भाड़ में, अच्छे टीचर रखी थी, ट्यूशन के बहाने मेरा घर साफ कर दिया। क्यों, क्या हुआ डार्लिंग? खैरियत? तुमने जो रुपए दिए थे ना, वो उसने चोरी कर लिए। चोरी कर लिए? रागिनी ने चोरी कर ली? अजी चोरी ना करे तो क्या करे भाई साहब, पति के घर से निकली भी औरत किसी तरह तो पेट भरेगी ना। हा? हमने उसे अंदर बंद कर रखा है। बंद करके रखा? हाँ, मैं देखता हूँ। कौन सा रुपया? जो तुमने चुराया है। कौन कहता है मैंने चुराया है? मैं कहती हूँ। तुम झूठ बोलती हो नटवर बाबू, आप पढ़े लिखे होकर एक टीचर की मर्यादा को नहीं जानते। जिस टीचर के कंधों पर सैकड़ों बच्चों का भविष्य हो, क्या उसका चाल चलन इतना गिर सकता है? तुमने गिरा के दिखा तो दिया। किसी पर टीचर उछालने से पहले अपना दामन संभालो। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो जाओ पुलिस में रिपोर्ट कर दो। चबरी एक नीच जाति की भेलनी थी, वह भगवान से बहुत प्रेम करती थी। वनवास के समय श्री राम ने उसे दर्शन दिए और इतना आदर किया कि उसके जूठे बेर भी खा ली। क्या मैं आ सकता हूँ? तुम आ गए, वहां बैठो। टीचर मैं उसे नहीं बदला दूंगा, ये मोची का लड़का है। तो क्या हुआ, क्या ये तुम जैसा बालक नहीं? लेकिन टीचर इसकी जाति हमसे नीची है। बच्चों, किसी जाति को नीचा समझना बुरी बात है। सोचो, अगर कोई तुम्हें मारे या गाली दे तो तुम्हारे माँ बाप को कितना दुख होगा। इसी तरह जब एक इंसान दूसरे इंसान से बुरा बर्ताव करेगा तो भगवान को भी उतना ही दुख होगा, क्योंकि सब इंसानों को भगवान ने पैदा किया है। और तुमने तो आज ही पढ़ा है कि भगवान राम ने भी शबरी के जूठे बेर खा लिए। याद रखो बच्चों, ऊंचे जाति से कोई बड़ा नहीं हो जाता, शिक्षा और आचरण आदमी को बड़ा बनाता है। बच्चे बैठो। तुमने एक अछूत लड़के को स्कूल में भर्ती किया? जी। तुम जानती हो ये ट्रस्ट का प्राइवेट स्कूल है? जी। यहाँ सिर्फ ऊंची जाति के लड़के पढ़ाए जाते हैं? जी। फिर तुमने उसे भर्ती क्यों किया? विद्या के मंदिर में मुझे यह भेदभाव पसंद नहीं, मैं ये कानून बदल देना चाहती हूँ। ट्रस्ट का कानून नहीं बदला जा सकता। क्या ये आपका अंतिम निर्णय है? हाँ। तो मैं ये स्कूल छोड़ दूंगी। बोर्ड ने भी यही फैसला किया है। धन्यवाद। ये भी तो इंसान, ईश की संतान, फिर इन सरक से छुआ छूत क्यों, तुम पवित्र ये अछूत क्यों। कितनी अच्छी बोल है, ये कब तक तुमने लिखी है? हाँ माँ, मुझे छूत अछूत के सवाल पर नौकरी से नहीं निकाला गया, मेरी सोई हुई कलम को जगा दिया गया है। जब ये कविता अखबारों में छपेगी तो देखना, इंसानियत शर्म से अपना सर झुका लेगी। बेटी, तुमने सिर्फ शहर की जिंदगी देखी है, हमारा देश हजारों गांवों में आबाद है। अगर तू वहां जाकर समाज की चक्की में पिसते हुए इंसानों को देख ले तो तेरा कलेजा हिल जाए, तेरी आत्मा खून के आंसू रोने लगे। समझे अछूत
सुख संतान फिर इनसे रक्त छुआ छूत क्यों पवित्र अछूत क्यों ये भी तो इंसान ईश की संतान अलग हमारे रास्ते इनको छोड़ना पाप है ये क्या कमाल है इनका भी तो अपने जैसा खून लाल है इनको तो पहचान इनमें वही जान फिर इनसे रक्त छुआ छूत क्यों तुम पवित्र ही अछूत क्यों ये भी तो इंसान ईश की संसार के चखे थे बेर राम ने इनके लिए तड़प थी गांधी की आत्मा इनको गले लगा के वो बने महात्मा मान या ना मान इनमें है भगवान फिर इसे रक्त छुआ छूत क्यों तुम पवित्र ये अछूत क्यों ये भी तो इंसान तुम झूठ मूठ ही बीज रहे हो पत्थर के भगवानों पर नफरत के तीर चलाते हो तुम किन गरीब इन कानों पर तुम तिरस्कार का नमक छिड़कते इनके घायल प्राणों पर इनके मुर्दे जलने ना देते तुम अपने शमशानों पर जो इन्हें जलकर कहे घृणा करे तो भगवान के मेहमान फिर इनसे रक्त छुआ छूत क्यों तुम पवित्र ही अछूत क्यों ये भी तो इंसान ईश की संतान फिर इनसे रक्त छुआ छूत क्यों जो हरिजन की आवाज उठाई वो तो बड़ा पवित्र काम मैं तेरी सच्ची लगन से बहुत खुश हुआ मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए बापू मेरे राम की कृपा से तुझे सफलता अवश्य मिलेगी आज मेरा जीवन सफल हो गया बापू मेरा जीवन सफल हो गया बापू अबे उल्लू के पट्टों
उससे मुझे पूछो कहाँ गई है तुम्हारी माँ? मालूम है, रोज रोज की दवी चली आती है। कमाल है, जब भी इसकी जरूरत पड़ती है पट्टी गायब हो जाती। क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों मैम साहब, कहाँ लगाई इतनी देर? देखो जी, हमारे क्लब ने आज ही कानून बनाया है कि औरत चाहे देर से घर आए या रात भर ना भी आए, मर्द ये नहीं पूछ सकता कि कहाँ गई थी। तुम रात भर की बात कर रही हो, मैं कहूँ तुम जिंदगी भर ना आओ तो भी मैं तुमसे ये नहीं पूछने वाला कि तुम कहाँ गई थी। क्या कहा? अरे भाई, कुछ मेहमान आने वाले, उनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करना है। कौन से मेहमान आ रहे हैं? मेहमान क्या, एक बकरा आ रहा है। मैं जो नया धंधा कर रहा हूँ ना, वो उसमें पैसा लगाने वाला है। कैसा धंधा शुरू कर रहे हो, सीधा या उल्टा? ना बाबा, बहुत कर लिए उल्टे धंधे, हरदम जेल का दरवाजा नजर आता है। अब मैं एक सीधा धंधा कर रहा हूँ, एक फिल्म बना रहा हूँ। अगर चल गया तो पाँचों उंगलियाँ घी में है, वरना सर तो कढ़ाई में है। वो मिस्टर मखनलाल कहाँ रहते हैं? आपकी आईडी क्या नहीं है क्या? अरे नहीं भाई, मैं बीमा कंपनी का एजेंट हूँ, उनका बीमा कराना है। वो सामने करें। अच्छा, थैंक यू। गई है, आ गया बकरा। नमस्कार जी। मक्खनलाल आपी का नाम है जी? बस अब नाम ही मक्खनलाल रह गया, वैसे तो आजकल डालडा ही मिलता है। मुझे पंडित जी ने आपके पास भेजा। मालूम है, मालूम है, आप तकलीफ लाइए, मैं आपी का इंतजार कर रहा हूँ। मंगल, मेहमान आ गए, नाश्ता चाय ले आओ। और देखो, अपनी फैक्ट्री के सिगरेट लाना मत भूलना बेटा। बहुत छोटा, पंडित जी आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। ये तो उनकी मेहरबानी है जी, उन्होंने मुझे दो चार जगहों पर इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन मैं सबसे पहले आप ही के पास हाजिर हुआ। कौन गधा कहता है कि आप हाजिर हुए? आप तशरीफ लाए, अपने चरण कमलों से मेरे घर को पवित्र किया। तो फिर लिखा पड़ी हो जाए? अजी हो जाएगी लिखा पड़ी, ऐसी भी क्या जल्दी है। चाय वगैरह तो पीजिए। अरे भाई लाओ ना चाय, क्यों बेइज्जती करा रहे हो? मिस्टर मक्खनलाल, मुझे आपकी उम्र कुछ ज्यादा लग रही है। आप घबराइए, मैं जल्दी मरने वाला नहीं, आपका दिवाला नहीं निकालूंगा। हाँ तो फिर आप कितने हजार का चाहते हैं? ये आप क्या मजाक कर, हजारों की नहीं लाखों की बात कीजिए साहब, लाखों। लेकिन पंडित जी तो कह रहे थे कि आप 10,000 के अंदर ही अंदर चाहते हैं। पंडित जी उल्लू हैं, उन्हें मेरी ताकत का पता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माफ कीजिएगा, आपकी भाभी बुला रही। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं। क्यों बुला लिया मुझे? धंधे की बात कर रहा है। वही तो मैं समझा रही हूँ, ये आदमी पैसे वाला और साथ ही बेवकूफ मालूम होता है। 2 लाख से कम मत लेना। ये मुझे खुद को तो 2 लाख देता नजर नहीं आता। हाँ, तुम बाहर आ जाओ तो शायद 2 की जगह 4 लाख दे मरे। बस ये बकरा कट जाए तो अपनी जिंदगी के सारे संकट कट। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। हाँ फिर रकम बता दी। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, आप ही बता दीजिए। मैं क्या पहले बता? पर इसमें हर्ज क्या है, आप ही बताइए। नहीं साहब, नहीं नहीं साहब, आप ही बता। वहाँ कहाँ बैठ रही हो? अरे वो आराम से। बकरा 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 बनाया है। बोलिए, आप कितना पैसा लगा सकते हैं? लगा सकते हैं क्या मतलब? मतलब ये कि आप जो 10,000 की बात कर रहे थे, 10,000 रुपए का तो हीरोइन पाउडर लगा लेती है इस धंधे में। कौन से धंधे में साहब? जिस धंधे में आप पैसा लगाने आए। पैसा लगाने आया हूँ? आप कैसी बातें करते हैं, मैं तो बीमा कंपनी का एजेंट हूँ मक्खनलाल जी, आपका बीमा उतारने आया हूँ। तेरा सत्यानाश हो जाए, बीमा कंपनी के एजेंट। अरे चाय तो बुक की गया, अब क्या नाश्ते का इंतजार कर रहा? चल निकल यहाँ से, निकल मैं कहती हूँ। अच्छा कहा है, चाय के पैसे रख दे, नहीं कोट पस्तून उतार लूंगा। कितने पैसे? 4 आने। 4 आने नहीं, 2 कप के 8 आने। मुझे क्या बावले कुत्ते ने काटा था जो 2 कप बनवाता? निकाल आधा। आधा नहीं देता। दफा हो गया, वो दफा है तो। अच्छा बकरा लाए थे, हमें बकरा बना गया। लो ये आज भागते भूसी लगोटी। तुम्हें भाई का ख्याल रहता है, मेरी कोई परवाह नहीं, ना मुझे काम दिलाते हो ना बराबर पैसे लाते हो। अब मित्र का किराया देना है, रेडियो के इंस्टॉलमेंट देने हैं, कल मुझे 1,000 रुपए मिलना ही चाहिए बस। ओके डार्लिंग, ओके मिल जाएंगे बस। आज मेरी नाइट शूटिंग, रात को लौटूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे हाँ सुनो, राजू है ना, रात को बहुत डरता है, उसे अपने पास बुला लेना प्लीज। डरता बहुत है,
राजू को कोई मुर्गी बता दे। जल्दी से चिट्ठी लिखो मुर्गी भैया, सपने ने मुझे व्याकुल कर दिया। अरे सपने भी कहीं सच्चे हुआ करते हैं गिरधारी, चलाया आधी रात को उठकर। सुबह चिट्ठी लिख दूंगा, जा जाके सो जा। कैसे सो मुरली? अरे मेरा मन नहीं मानता, तेरे प्यार ने तुझे परेशान कर रखा है। राजू अपने भैया के पास है, चैन की नींद सो रहा होगा। जा तू भी सो जा, जा जल्दी जा। कुछ फिर यहाँ क्यों खड़े हो बेटा? सोचता हूँ अगर मेरे पास पैसे होते तो ये मिठाई लेकर बेचता। तो ले जाओ मिठाई, पैसे बेच कर दे जाना। अगर मैं पैसे लेकर भाग गया तो? तुम नहीं भागोगी। जो बच्चा भीख को पाप समझता है वो बेईमानी नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, तो 2 रुपए की मिठाई दीजिए। लो बेटा। चिंता में परेशान हो गया। पर इधर हम तुम्हारी चिंता में परेशान हो गया है। हम बोलते हैं कि एक दिन तुम्हारा ये घर बर्बाद हो जाएगा, टोटली रूम हो जाएगा। हम ये पूछता है कि जो 3000 रुपीज उस दिन हमने तुमको दिया वो किधर गया है? वो तो चोरी हो गए। यू आर दीवाना, चोरी नहीं हुआ। जिस दिन तुम मद्रास गया था तुम्हारी वाइफ ने रेस में हारा, इन द रेस। ये क्या कहते हैं सर जी? यस, मेरी कामनी रुपए रेस में हार दी। यस यस, हमने इन 2 आईज से देखा है। व्हाट डू यू मीन आई विटनेस? राजू आया? नहीं, अब वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इतने बड़े शहर में न जाने वो कहां कहां भटकता फिर रहा होगा, मारा मारा फिरता रहा होगा। बापू को पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। कहूं तुम्हें पता, मैं बाबू को क्या जवाब दूंगा? मुझसे क्या पूछते हो? ये राजू का गुण होने की जिम्मेदार मैं हूं। हाँ तुम, मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि वो तुम्हारे घर से भाग गया या फिर तुमने उसे कहीं भगा दिया। क्या मैं राजू की दुश्मन थी? हाँ तुम उसके दुश्मन। तुम नहीं चाहती थी कि राजू शहर में आए, तुम नहीं चाहती थी कि राजू के लिए कपड़े खरीदे जाए, उसके लिए खर्च किया जाए। मैं आज तुमसे साफ साफ पूछता हूं, बताओ मेरा राजू कहां है? बताओ तुमने उसे कहां छिपा के रखा है? कौन से अंधेरे कुएं में ढकेल दिया है? तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। जब औरत और मर्द दोनों को एक दूसरे पर भरोसा न रहे तो दोनों को अलग हो जाना चाहिए। मैं आज भी इस घर को छोड़ सकती हूँ, तुम्हें छोड़ सकती हूँ, तलाक ले सकती हूँ। तू आज तलाक के लिए कहेंगी जब पानी सर से ऊंचा हो गया। तलाक तुझे उसी दिन ले लेनी चाहिए थी जिस दिन बापू ने कहा था। अगर तू उसी दिन दूर हो जाती तो मेरा प्यारा भाई मुझसे नहीं बिछड़ता। मैं इसकी तलाश में मारा मारा नहीं टूटता। मेरा कारोबार चौपट न होता, मेरा घर बर्बाद न होता। मेरे पर कंधे का बोझ चढ़ गया, किराए का फर्नीचर मेरा खून चूसा है, रेडियोग्राम मेरी बर्बादी के गीत गाता है। मैंने तुझे 3000 रुपए रखने के लिए दिए, वो भी तूने रेस में उड़ा दिए। कैसा झूठ है बाकी, मैं तेरा हाथ नहीं। तुम ये चाहता था कि मैं तुझे जान से मार डालू। चलिए
निकल जाओ, get out, I said get out. ओ सादा जीवन ऊंचे ख्याल से, देश था ये आबाद, फैशन के पुतलों ने देखो इसे किया बर्बाद, ऊपर से उजले भीतर से काले, ऊपर से उजले भीतर से काले, समझे नहीं समझाए रे, फैशन से अंधे दुनिया में देखो, पग पग पे ठोकर खाए रे, पग पग पे ठोकर खाए रे, ऊपर से उजले भीतर से काले। बाहर की झूठी चमक चमक में, बाहर की झूठी चमक चमक में, हमें सब चुंध आई, मन का मैल चुराने के बदले कपड़ों की करते सफाई, अंधियारे को ये समझे उजाला हो, अंधियारे को ये समझे उजाला, इन पे तरस कोई खाए रे, फैशन के अंधे दुनिया में देखो, पग पग पे ठोकर खाए रे, पग पग पे ठोकर खाए रे, ऊपर से उजले भीतर से काले। डैडी, डैडी, अम्मी, क्या? आज मेरा घर टूट गया डैडी, मैं पापा मेरा झगड़ा हो गया। घर टूट गया, झगड़ा हो गया? क्यों झगड़ा हो गया? वो बिल्कुल मैड हो गया है डैडी। मैड हो गया? क्यों? उसका छोटा भाई घर से भाग गया और इल्जाम उस पर लगा रहा है। तुम पर इल्जाम लगा रहा? मैं वो फर्नीचर और रेडियोग्राम की रंग पर लाई थी, लेकिन नेटवर्क की बेकारी में 4 महीने का बिल चढ़ा दिया। वो समझते हैं मैंने उसका घर बर्बाद किया है। और अब तुम अपने डैडी का घर आबाद करने आई हो? क्या करती डैडी, वो तो मुझे ज्ञान से मार डालना चाहता था, उसने मेरा गला पकड़ लिया। फिर छोड़ क्यों दिया? मैं दूर से चिल्लाई तो वो डर गया और मुझसे कहने लगा गेट आउट। तुम्हारी राम कहानी सुनकर मैं भी तुमसे यही कहता हूँ, गेट आउट। अपने हस्बैंड का घर छोड़ के डैडी के घर आई, शर्म नहीं आई तुम्हें? गेट आउट, आई से गेट आउट। ये आपने अच्छा नहीं किया था, इसमें आप ही की बदनामी। मेरी बदनामी क्यों? आपके लाख के आदमी उसे बिगाड़ दिया, आपकी छूट और आजादी में उसे उल्टे रास्ते लगे, आपने उसे ऊंची ऊंची तालीम जरूर दी, लेकिन बच्चों की असली पाठशाला माँ की गोद, और आपने सामने को उसे स्कूल से उठा लिया। बच्चों को तो स्कूल से उठा लिया, अब क्या उन्हें अनाथ आश्रम भेजोगे? घबराओ नहीं, यही हाल रहा तो खुद ही अनाथ आश्रम चले जाएंगे। खंडी हो गई है सुई, अपनी हालत तो देखो, खर्चे नापते नापते जूते भी दांत दिखाने लगे हैं, ये जा रहे चमारू की तरह। गनीमत है कि अपने ही जूते सी रहा, डरता हूँ किसी दिन दूसरों के जूते ना सीने पड़े। ओहो, मुझे तो तुम्हारी हालत पे तरस आने लगा है, सुंदर जैसा चेहरा कोयला हो वरना फिर अंगारा बन जाएगा। जरा रही खामा का। नमस्ते साईं। नमस्ते। कौन हो गई? मैं पहचान। अरे बड़ी, तुमने तो नहीं पहचाना पर हमने तुमको पहचान लिया। सुना है कि तुम फिल्म बनाता है, आपको क्या बाप का रोल करना? ना साईं, हम तो रुपया लगाने आया है। रुपया लगाना? फिर बैठो बैठो बैठो। गर्वदन जरा कोने में से डंडा लाना, ये लगाने आया। बदमाश के बच्ची, तू जैसे कितने लोग मुझे उल्लू बना, कोई मेरा नाश्ता, कोई टैक्सी का भाड़ा ले गया, कोई अपने बाप का कफन ले गया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर बरन लगाओ बच्ची झाड़ू, लो बच्ची लगो, रहने से तुम अंधी,
असली को नकली और नकली को असली समझती। ठीक, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी और मैं पैसे नहीं दूंगा, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हमारे बच्चों भूखे मर जाएंगे सर जी। मैं आपके आगे हाँ की मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मैं आपके पाँव में अपनी चोटी। हमारी इज्जत का सवाल है सर जी। थोड़ी हमारी कौन सी इज्जत रहेगी, माफ करो ना सर जी। सर जी आपका तो नकली दादा है सर जी। गुण तू मन छोटा मत, मेरा दिमाग भी इंटरनेशनल दिमाग है। मरने के बाद किसी बड़े म्यूजियम में रखा जाएगा। वो चक्कर चलाऊंगा, वो चक्कर चलाऊंगा कि दुनिया चकरा जाए। घर और टिकाऊ सिलाई की मशीन केवल 100 रुपये में। 25 रुपये की पहली किस्त भेजकर आप घर बैठे मशीन मंगा सकते हैं। पता नोट कीजिए, कंपनी सेंटा क्रूज बॉम्बे 23। अभी सुनते हो? मेरे दोनों कान बिल्कुल ठीक हैं। ये बाहर बोर्ड कैसा लगा रखा है? क्या मेरी सिलाई की मशीन बेचने जाते हो? छोटे घर की सर बाहर रखूंगे भी सर, कोई मशीन ना हुई पारस पत्थर हो गया। अरे एक मशीन पे कई कंपनी, मैं हजारों मशीनें बेच रहा हूँ। लेकिन मशीनें है कहाँ? बन रही है डब कारखाने में। कुछ नमूने लाया हूँ, आ देख देख क्या मान है। धंधे की नजाकत को नहीं समझेगी, कर दिया ना बेड़ा गरक। वो तो अच्छा है कोई बाहर वाला नहीं है, नई कंपनी खुलने से पहले ही बंद हो जाती। तुमने ये फिर उल्टा धंधा शुरू कर दिया ना चमेली। 60 बच्चे पैदा करने के बाद कोई सीधा धंधा कर सकता है? देख इस उल्टे धंधे की करामात, काम अभी चालू नहीं हुआ है और रुपए ऐसे बरस रहे हैं जैसे जूते बरस रहे हैं। तुम तो खुश हो रहे हो मगर मैं डर से मरी जा रही हूँ। पुलिस कोई पागल है जो व्यापारियों को पकड़ेगी? मगर समाज में तो हमारी नाक कट जाएगी। चमेली हमारी नाक तो रावण का सर है, जितनी बार कटेगी नहीं निकल आएगी। तुम्हारी नाक चाहे किसी की भी हो मगर सर जरूर रावण का है। ये भी तुमने ठीक कहा, पर पूछ मेरा अगला प्रोग्राम क्या है। क्या? मैं अपने हफ्ते के लिए 7 मोटरें खरीदूंगा और तुम्हारे लिए 25 मंजिल का महल बनवाऊंगा। और पूछ मैं क्या करूंगा? क्या करोगे? उस महल की छत पर खड़ा होकर दुनिया वालों से कहूंगा, अरे बेवकूफ क्या नीचे पड़े, तरक्की करो, तरक्की करो, खड़े हो जाओ मेरी तरह। मजबूत और टिकाऊ सिलाई की मशीन, माय लॉर्ड ये पब्लिक को ठगने का नया तरीका। वकील साहब इस मशीन को जरा गौर से देख, क्या ये मजबूत नहीं है? क्या ये टिकाऊ नहीं है? बल्कि आपको मानना पड़ेगा ये खूबसूरत है। मैं वकील नहीं पर कानून को अच्छी तरह जानता हूं। नीलाज फिर इसे कौन सी मशीन कहा जा सकता है? क्या ये नोट छापने की मशीन है? मैं ये पूछता हूँ नीलाज, क्या इस मशीन से कपड़े सिले जा सकते हैं? ओहो ये मैंने कब कहा कि इससे कपड़े सिए जा सकते हैं? मैंने सिर्फ मजबूत और टिकाऊ शब्दों का इस्तेमाल किया और मैं उन पर कायम। ये मैंने कभी नहीं कहा कि ये मशीन चल नहीं सकती। चालू का शब्द तो मैं जान बूझ कर खा गया, इस पर भी लोग धोखा खा जाए तो इसमें मेरा क्या दोष? नीलाज बेकार मेरा वक्त क्यों खराब किया जा रहा है? मुझे कोई नया काम करने की इजाजत दी जाए। गिरी मोहनलाल ने जो चीज बेची है वो सिलाई की मशीन नहीं है बल्कि मशीन का बेजान नमूना है, एक मिट्टी का मॉडल है। बोली वाली जनता को फंसाने के लिए ऐसी चर्चाने वाली तरकीबें आजकल आम हो गई हैं। मैं ऐसे लोगों को समाज का कट्टर दुश्मन समझता हूँ और मक्खनलाल को 3 साल की सख्त कैद का हुक्म देता हूँ। अरे साहब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, हम लोग भूखे मर जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब सुना है जेल में एयर कंडीशन कमरे बन गए हैं, मेहरबानी करके मुझे अच्छी जगह दीजिएगा, जरा दिमाग का काम ज्यादा करना पड़ेगा। अजी घबराओ मत, ये भी तो इंसान शक्ति इंसान। Thank you.
की ये कुदरत क्यों तुमसे ऐसी नफरत क्यों बदल गई ये कुदरत क्यों हमसे ऐसी नफरत क्यों छोटे बड़े समझने वाले बढ़ती जाती आदत क्यों राम के मंदिर में जा सकता चूहा बिल्ली कौवा पर कीड़े भी खुना सकता ये इंसान कौवा संदेश देने वाली श्रीमती रागिनी जो कुछ प्रकाशित होता रहा है उसके लिए मैं आप लोगों की अत्यंत आभारी हूँ। सच तो ये है कि वर्तमान युग में पत्रकारों के सहयोग के बिना किसी भी समस्या का हल संभव नहीं है। मुझे आशा है भविष्य में भी आपका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। मतलब ये हुआ आप अपनी पब्लिसिटी चाहती हैं? अपनी नहीं, मैं चाहती हूँ अपने विचारों का प्रचार, अछूत जाति का उद्धार। देवी जी, आपका जन्म कहाँ हुआ? शहर में। अच्छा, आपने शिक्षा कहाँ पाई? इसी शहर में। आपकी शादी हो चुकी है? जी हाँ। किससे? आप जैसे एक पत्रकार। सुना है आप अपने पति के साथ नहीं रहती? ये मेरी बदकिस्मत है। क्या उस बदतमीज ने आपको ठुकरा दिया है? उनका अपमान मत कीजिए। तो फिर बताइए उसने आपको ठुकरा क्यों दिया? ये मैं आज तक ना जान सकी। मैं आपसे ही पूछती हूँ, क्या दुनिया में कोई ऐसी भी अदालत है जहाँ किसी को बिना जुर्म बताए सजा दी जाती हो? आप ये बताएं, कहीं आपके चाल चलन में तो कोई बुराई न थी? मिस्टर, आप किसी की पर्सनल लाइफ पर क्यों अटैक कर रहे हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जनाब, कचहरी नहीं। मैं सिर्फ इसी सवाल का जवाब चाहता हूँ। आप जवाब दीजिए। सोच क्या रही? सोच रही हूँ मेरी पवित्रता पर शक करने वालों ने आज के पहले ये सवाल मुझसे क्यों ना पूछा। आज के पहले? हम आपका मतलब नहीं समझे। जो समझ गए हैं मैं उन्हीं से जवाब मांगती हूँ। खैर जाने दीजिए, मेरी आप लोगों से एक प्रार्थना है, आप मुझे रागिनी के नाम से संबोधित ना किया करें। क्यों देवी जी? आप अपना नाम बदलना चाहती हैं? क्या आपका नाम रागिनी नहीं है? था शादी से पहले, अब आप लोग मुझे श्रीमती बलराज लिखा करें। लूटे बच्चन? क्या बात है बाबूजी? तूने मुझे लूट कर कंगाल कर दिया, मैं तेरा गला घोटूंगा। अंधे से क्या भूल हो गई? तुम अंधे हो। मैं तो जन्म से अंधा। अंधे तुम नहीं हो, अंधा मैं हूँ।
माँ मुझे एक प्याली चाय दो। आज दूध वाला नहीं आया बेटा, चाय कहाँ से बनाकर दूँ? क्यों झूठ बोलती हो, अभी दिन क्या पी रही थी? इस ग्लास में दूध नहीं तो क्या था? अरे ये तो कल का दूसरा ग्लास। बस बस रहने दो माँ, आज मुझे सब मालूम हो गया। रागिनी पर जितने इल्जाम लगाए गए थे सब झूठे थे। तुमने लगाई बुझाई करके मेरे घर में आग लगा दी। अरे तो ले आओ उसे वापस घर में, साफ साफ क्यों नहीं कहता कि मैं इस घर से चली जाऊँ? कहने की क्या जरूरत है, ये तुम्हारे सोचने की बात है। सोच लिया, रहती हम मेरी जूती इस घर में। माँ माँ मर गई, क्यों लेने गई माँ? ऐसी औलाद आपके घर में मैं एक पल भी नहीं लाना चाहती। ऐसी औलाद मर भी जाए तो मैं उसके मुंह पर थूकने भी ना आऊँ, ना उसके घर में थूकने आऊँ, समझा? अब खड़ा क्यों है? मुझे रोकने के लिए मैं नहीं रुकती। जरा भी दूध के बाद के लिए तू सबसे खड़ा हो गया, बुला आदमी को बजार। दो दिन हो गए साहब, आपने प्रूफ नहीं पढ़े? मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए, बंद कर दो ये ऑफिस, आग लगा दो सारी चीजों में। मेरी तस्वीर देखो, ये कामनी की नहीं ये उस राधनी की तस्वीर है, राधनी जिसे मैंने अपनी आंखों से दूर कर दिया और दुनिया वालों ने उसे आंखों पर उठा लिया। सुशीला, 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 सुशीला। 15 साल के बाद आज आपकी जबान पर मेरा नाम, मेरे घर में आपकी शहर, कहाँ धरती कहाँ आकाश? आज आकाश धरती पे आ गिरा है। मैं हार गया हूँ सुशीला, मैं हार गया। मेरी रागनी कहाँ है? आप कौन होते हैं रागनी के? क्या मैं उसका बाप नहीं हूँ? नहीं, आप कामनी के बाप हैं। उसका नाम मत लो सुशीला, वो अपना घर जाके मेरे पास आई थी लेकिन मैंने उसे निकाल दिया। उसने खानदान का नाम डुबो दिया। मेरी असली बेटी रागनी। आज रागनी आपकी बेटी हो गई, उस वक्त बेटी न थी जब आपने उसे तक के दो कपड़ों के साथ घर से निकाल दिया था। वो आपसे नहीं मिलेगी। क्यों, क्या वो मेरा खून नहीं है? आपने खून को खून कब समझा? उसे पसीने की तरह पहुंच कर फेंक दिया, गिरा हुआ पसीना जमीन से उठाया नहीं जा सकता। क्या बात है माँ, ये कौन है? मैं तेरा बाप हूँ बेटी। आप मेरे गले से लग गए। हाँ बड़ा, अगर इन्होंने तुझे बेटी नहीं समझा तो तू भी उस कलेजे को काट करते हैं जिसमें बाप से मिलने की तमन्ना तड़पा करते थे। तुम कह रही हो माँ, द्वार पर आए हुए भिखारी को भी इस तरह नहीं देख पाते, फिर ये तो मेरे पिता हैं, तुम्हारे परमेश्वर हैं। मुझे माफ कर दो सुशीला, मुझे माफ कर दो। पिताजी, मेरी बच्ची। लेकिन आपने कामनी को घर से क्यों निकाल दिया? क्या वो आपका खून नहीं? कौन कामनी माँ? तेरी बड़ा सन, तेरी बहन कामिनी। मेरी बहन? अभी अभी एक इम्पोर्टेंट केस हमारे सामने आया है। आज से 15 साल पहले रागिनी के बाप ने रागिनी की माँ को घर से निकाल दिया था, लेकिन आज वे दोनों फिर से मिल गए हैं। बोलो हमें क्या करना चाहिए? हमारे रूल नंबर 3 के मुताबिक उन्हें फिर से अलग कर देना चाहिए, हमें फौरन वहाँ पहुँचना चाहिए। ठीक है, आर यू ऑल रेडी? अपने पति को झूठे बंधन, अपने पति को। कामिनी क्या बात है, ये मिलिट्री फिर से लाई हो? लुक हियर रागिनी, हमारे क्लब का ये रिजोल्यूशन है कि एक बार अलग हो जाने के बाद औरत को अपने पति के घर दोबारा हरगिज नहीं जाना चाहिए। बड़ा अच्छा रिजोल्यूशन है, लेकिन कामिनी मेरी माँ मेरे पिता के घर नहीं गई, पिताजी माँ के घर आए हैं। तो बाहर निकालो अपने डैडी को। कामिनी क्यों परेशान मत आई है? मेरे पिताजी का गुस्सा बहुत खराब है, अगर वो आ गए तो तुम सबको मार मार कर भगा देंगे। अरे जाओ जाओ, मर गए हमें भगाने वाले, हम उसे धक्के मार मार कर भगा देंगे। ओ रागिनी के बाप, बाहर निकलो। रागिनी के बाप, बाहर। रागिनी के बाप, बाहर। मैं हूँ रागिनी का बाप, अब आगे क्यों नहीं बढ़ती? अब मुझे धक्के देके बाहर क्यों नहीं निकालती? आओ मारो धक्के। अरे
कामिनी को क्या हो गया? रेजोल्यूशन तय हो गया तो फिर चलो चले। वाह बेटी वाह, औलाद का यही फर्ज होता है, पहले अपना घर उजाड़ो फिर अपने माँ बाप का। और एक ये तेरी बहन है जिसने मुद्दतों से पिछड़े हुए माँ बाप को मिला दिया। भगवान ने तुम दोनों को एक ही घर में पैदा किया, यहां तक के शक्लें भी एक ही सी दी, लेकिन तू कहां और ये रागिनी कहां? एक पारस पत्थर और दूसरा काला कोयला। राजू राजू, तुमने राजू को देखा? राजू कौन है? राजू को नहीं मा, राजू बड़ा अच्छा लड़का है, वो बड़ा होके पायलट बनेगा, पायलट। राजू अरे ये सब क्या हो गया? राजू नटवर, हे भगवान मैंने कहां ढूंढूं? राजू राजू है तेरा घर जिसे तूने सजा सजा के स्वर्ग बनाया था। आजा से फाड़ के अपने स्वर्ग को देख,
जहाँ की हर चीज पुकार पुकार से तेरी गृहस्थी की कहानी सुना रही है, क्या अब भी तेरी आंखें नहीं खुली? बोल, क्या तुझे अब भी अपनी करनी पर रोना नहीं आता? डैडी, बता मैं क्या करूं? अपने नटवर के पास जा, उससे माफी मांग और हो सके तो अपने उजड़े हुए घर को फिर से बसाने की कोशिश कर। एक आमने की बच्ची चिगल जा रही है। वेरा यू गोइंग? मुझे जाना तो राजू का एक्सीडेंट हो गया, मुझे हॉस्पिटल जाना है। हम तुमको हॉस्पिटल पहुंचाएगा। हम तुमको कितने दिन से ढूंढते हैं। यू रास्कल, तुमने हमें गुमराह किया, हमें उल्टी पट्टी पढ़ाई, हमारा घर बर्बाद किया। आज हम तुम्हें अच्छा मजा दिखाएंगे। हम तुम्हें पुलिस में, हम तुम्हारा मुंह काला कर देंगे, हम तेरी जबान काट लेंगे। अरे नहीं नहीं, एमडब्ल्यूसी का भूत ऐसे नहीं मानता। रहा अपनी चप्पल शुरू हो जाओ। आंखें खोलो राजू। राजू, तुम यहाँ क्यों आए? तुम कौन होती हो राजू के बारे में पूछने वाली? तुमने मेरा सत्यानाश तो किया ही था, तुम इस मासूम की जिंदगी से भी खेल गए। अब मैं तुम्हारा नापाक साया भी इस पर नहीं पड़ने दूंगा। तुम चल जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर देने पर मैं भटक गई थी। फैशन और आजादी के प्रति मेरी आंखें बंद कर दी। इस बार माफ कर दो। अब तो तुम्हें भगवान भी माफ नहीं कर सकता। इस बार सहारा दोगे ना तो? अब तो मौत ही तुम्हारा सहारा है। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारा पांव जोड़ती हूँ। हट जाओ नटवर, ये क्या पागलपन है? हट। बोल, लेकिन बापू नटवर, औरत घर की इज्जत होती है और घर की इज्जत खरी में रहनी चाहिए। मर्द का माफ कर देना औरत के लिए सबसे बड़ी सजा। बापू, देख बेटा, इसके लिए घर के दरवाजे न बंद कर। रागिनी, रागिनी, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? मैंने बहुत दिनों से खुला रखा, अब ये बंद ही रहेगा। तुम निराश क्यों हो गई? आने वाले का इंतजार क्यों नहीं किया? कब तक इंतजार करती? अब मेरे दुनिया में कोई नहीं है। सब कुछ तुम्हारा घर, तुम्हारा पति है। मैं उनकी नजरों में गिरी हुई औरत हूँ, क्योंकि मेरा चाल चलन खराब है। उन्होंने मुझे झूठा निवाला समझ कर फेंक दिया। रागिनी, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें लेने आया। फेंका हुआ निवाला खाली में नहीं आ सकता। अब चले गए। रागिनी, तुम मेरे किस्मत का फैसला गलत कर रही हो। फैसला तो आप खुद कर चुके हैं। तुम्हारे बिना मेरा घर बर्बाद हो गया है। उसकी जिम्मेदार मैं नहीं। रागिनी, अब मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जो दूसरे को बर्बाद करता है वो खुद कैसे आबाद रह सकता है? तो क्या तुम मेरे घर कभी नहीं आओगी? मेरी अर्थी भी आपके घर के सामने से नहीं गुजरेगी। तो फिर अपनी चूड़ियां तोड़ डालो, मांग का सिंदूर बिठा दो। क्या? आज तुम्हारा सुहाग उजड़ जाएगा, तुम विधा कहलाओगी। मिटा दो ये कुमकुम की विधा। रागिनी, अरे यू आप दीवाना, जब से हमने गुटगुट पिक्चर बनाना शुरू किया ना, तो हमारा तो दर रोज दिवाली होने लगा। और हाँ, हमको बहुत आनंद हुआ कि तुम्हारा होल फैमिली सुखी हो गया। वेरी वेरी स्वीट होम। मगर हाँ, हमको एक बात का बड़ा दुख हुआ, उस आदमी का, उल्लू टाइप मक्खन लाल का। अजी वो उल्लू टाइप मक्खन लाल भी हाजिर है। ओ मुन्ना मक्खन लाल, तुम जेल से छुट्टे का भाई? अजी जेल में ही तंग आकर हमको छोड़ दिया। अच्छा, पर हमने एक ही कसम खाई। अच्छा, वो उल्टा धंधा नहीं करना और बेईमानी नहीं करना। वेरी गुड। मैंने भी कसम खा ली है कि अब जो ये करेंगे वही मैं करूँ। जीती रहे, जीती। वेरी गुड भाई। हमारी तरफ से आपको दिवाली मुबारक। आपको, आपको, आपको बेटा, तुम्हें हिंदुस्तान की सारी जनता को दिवाली मुबारक। मेरी तरफ, मेरी बीवी की तरफ, हमारे साथ बच्चों की तरफ, और भूल चूक से और कोई हो जाए तो उसकी भी तरफ। नहीं,
खींचा पर्दा है।